ऐसा थोड़ी है कि हम आपके लिए गा रहे हैं, ये जनता जो बैठी है उनके लिए हैं हम। आप चाहे लाइव जाए या ना जाए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जनता बड़ी है, आप बड़े नहीं हैं। चाहे आप सूट करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बजरंग बली बरोबर ऊपर चक गए हैं, दिखते नहीं है, गदा उठाए। अरे ऐसे चलिएगा, आप कैमरा सेट कर दो, बैठ जाओ। हम तो रोज ही शूट करवाते हैं, कोई बड़ी बात है। लेकिन आप तो पूरे ही पीछे की पब्लिक को रोक के बैठ गए, जैसे हम कोई अनारकली आप शाहजहां हो। ऐसा थोड़ा ही नहीं चलता, ये नहीं, गलत है। सिस्टम वैसा होना चाहिए जो वाकई में सब जगह मान्य। आप कैमरा नीचे रखिए या नीचे बैठिए, एक बार सेट कर दीजिए, कैमरा चलता रहेगा। आप भी बराबरी से बैठिए जनता के बराबर में। आप कोई महान अतिथि जो ऊपर तक जाएंगे हमारे सिर में। आरंग की पवित्र मिट्टी के चंदन पर माथा में चुपरत हूं। अब दिखत है मोर भौजी मन नहीं दिखत रही ने डाले कलप गिरे हूं मैं भौजी देखे पर कल्पत हूं तक देर से मोर सारी बैठे हैं कैसे देखू ते बीच में पहाड़ बरोबर बैठ गया देखन तो दे मोला देख दूर लाया हूं 17,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में मैं कविता पढ़ा लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि 40 किलोमीटर दूर आरंग में नहीं आ सका। ये मेरा दुर्भाग्य है। 17,000 किलोमीटर में अमेरिका गया 4 बार लेकिन आरंग नहीं आ पाया। भगवान भाई महाराजा मूरत ध्वज की नगरी अभी सास बहु लड़त रहा मैं आरंग आए तो मूरत ध्वज मोरे तो कर बोका दे चुप रहा रेमटी मूरत ध्वज मोरे नहीं मोर मूरत ध्वज मोरे ले मूरत ध्वज तोरे तो आरंग मोरे। अरे आरंग भी तोरे और मूरत ध्वज घलो तोरे और सुरेंद्र भी घलो तोरे। बहुत बढ़िया आपकी कवि सम्मेलन हुई, मैं चिंता मत करो, बहुत बढ़िया टीम है। और छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ लोगन पूछते हैं हम बाहर जाते हैं विदेश तो पूछते हैं छत्तीसगढ़ का है। अरे दूख पहाड़ वाला 4 बार पढ़ अमटहा भाटा खा मुंगा ला चूचर राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़ एला कि थे बाबू दोनों हाथ उठा के एला कि थे बाबू ये छत्तीसगढ़ है। और आज के कार्यक्रम में बड़े बड़े अतिथि आ रही है, मुहूर्त कागज देखे लगी कौन कौन आ रही क्या कर बे। आदरणीय माननीय टंकराम जी वर्मा जिन अभी बहुत बढ़िया गाना गाई भारतीय जनता पार्टी में, अगर इसने सब मंत्री गाना गाही तो काम कौन करी। लेकिन वो काम भी करते और गाना भी गाते। हाँ बताता हूँ, एक बार उनका नाम से ताली बजा दो, टंकराम जी वर्मा। बहुत पुराना भाजपा के जुड़े हुए व्यक्ति है। गुरु खुशवंत साहब जिन अभी यहाँ के विधायक हैं, श्याम नारंग जी रायपुर में रहते, मोर पड़ोस में रहते। ये समझ ले के ओकर कुकुर है मोर घर भात रखा थे, अतक पास में रही थे, बिल्कुल आजू बाजू। भगवान का सब नारंग जी से पूछ लो चाहे, मैं 25 नंबर बंगला में हूँ, 5 नंबर बंगला में आमने सामने ओकर कुकुर रात के 12 बजे के बाद आके मोर घर के आगू में भूख थे। और मोलो लगन पूछे धुर्वे जी आप कुकुर पाले कर? मैं नहीं पाले हैं भैया, नारंग जी पाले हैं। ओकर कुकुर डबल शिफ्ट में काम करते, दिन के ओकर दुआरी में, रात के मोर दुआरी में। आरंग के आरंग में एक से एक आइटम है, इसलिए जबरदस्त। श्याम नारंग जी पर ताली बजाओ मोर, बहुत अच्छा छोटे भाई है। ऐसा छोटे भाई है जैसे विभीषण रावण के छोटे भाई है, रावण लवही निपटाई। सुग्रीव बाली के छोटे भाई है, बाली लवही निपटाई। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन के छोटे भाई है, लेकिन वो मोर सख छोटे भाई नहीं है, वो केजरीवाल के छोटे भाई है। जब निपटाही केजरीवाल ला निपटाही, और वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रिय है। एक बार श्याम नारंग जी पर जोरदार ताली बजाओ, आपके आरंग के गौरव है। पद्मावती समूह के रानू जी और पूरा समिति बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत करें, उनला मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस अधिकारी आ जाए है कविता सुने पर, उज्जैन शहर में पुलिस कविता सुने, TI साहब आए हैं, सिंह साहब पुलिस कविता सुने, जैन ककरो बाप के नहीं सुने तेन हमर सुने पर आए है। कम बड़े बात है, ताली बजाओ। ककरो बाप के नहीं सुने तेन हमर सुनत है, बहुत बड़े बात है। और CMO होरी सिंह जी ठाकुर भी हैं। और एक बात आपको बताता हूं, भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने गुरु संदीपनी को प्रणाम किया। और ये आरंग है, यहां डहरिया ने गुरु खुशबू गुरु खुशवंत साहेब को प्रणाम किया, और उन्होंने भी उनका कस के काम तमाम किया। हाँ पूरा निपटाई दी से, एकदम जड़ से उखाड़ के मठा डाल दी से।
बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। जब गुरु आ गए, खुशवंत साहब मोर घर आ रही, इतना सरल और इतना सीधा मोर घर आ रही से मुलाकात है श्याम नारंग जी के साथ कि आप लोग कवि सम्मेलन में आना है, मोर यहाँ कविता पढ़ना, मैं निश्चित लिया हूँ। बोले निश्चितली का होते, मैं क्या अंग्रेजी में जनरल डेफिनेटली बोलते हुए छत्तीसगढ़िया मन निश्चितली बोलते, हमर मन के भाषा लग रही थे ना, मत दू मत नहीं है। और मैं आप लोग बताता हूँ, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, प्यार में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। माँ की मेहरबानी हो, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम, जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम, वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया अब मंदिर वही बनाया। जय जय श्री राम। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं, हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं, हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं, हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं, हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं, अरे राम मंदिर बना दिया अब मथुरा जाने वाले हैं। जय जय श्री राम। राम मंदिर बना दिया अब मथुरा जाने वाले हैं। एक नेता दिल्ली में भाषण करत रही से, नाम नहीं लो, नहीं तो आप समझ जाहू कि मैं सोनिया गांधी के बात करत हूं। भाषा के कोनो संकट नहीं रहे, भाषण देतरी से, हमारे घर में हमारे देश में जो नर्मदा योजना है, मैं बोले मैडम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है, नर्मदा वही बोल रहे हैं, ये बोलते हम कुछ किए नहीं, किए नहीं, हम एक नया राज्य बनाए तेल लगाना, मैडम तेल लगाना नो है, तेलंगाना है, तेलंगाना। तो भाषा के संकट बहुत पैदा होते हैं, बहुत अजीब स्थिति है। कभी मन के परिचय करा देता हूँ, बाकी तो लोकल होकर पर्ची मोर जेब में है, अभी बताऊं, कबीर संजय कबीर हर विधा के कवि है, और आपके राजनीतिक पद में भी कार्य है, यहाँ जनपद पंचायत के सदस्य जहां तक मोर जानकारी है ना, सही बोला था ना कि मुख्यमंत्री बन गए, कुछ पते नहीं बोला। अरे भाई मोदी जी के कोई भरोसा नहीं, अभी मोदी जी जन टिकट बांटी आखिरी के आखिरी, एकदम आखिरी जमीन खोद के आदमी निकाली, जाते हैं आज ले मंत्री का नाम तो ये मोदी जी, सामान्य कार्यकर्ता का भी महत्व देने वाला व्यक्ति का नाम है हिंदुस्तान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक जनोर से पूछे इस मोदी का क्या विकल्प है, जवाब दे हमें, और जवाब आपका लगी सही है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना कि इस मोदी का क्या विकल्प है। मैं कहा ये भारत माता की गोदी है बेटा, मोदी का विकल्प भी मोदी है, मोदी का विकल्प भी मोदी है। आइए आपको अपने लायक बना लूं मैं, इवन आप मन गुर्री गुर्री मत देखो कैमरा वाले मन, तुम मन सब मोरे आदमी हो, लेकिन का करूं तुम मोर भौजी मन दिखत नहीं रही, तुमकर मूड में चक गिरे हो, ऐसे नहीं हो सके, मोर अतेक मुश्किल में बिचारी मन आए काम धाम छोड़ के, कजरा ला उनकर पति मांझा थे, तुम तहलका यहाँ पर हो जाए ना, तो कतको बड़े साहब हो जा, कतको बड़े अधिकारी हो जा, कहाँ जल्दी दू जन साहब, TI साहब और CMO साहब बैठे हाँ, कतको बड़े साहब हो जा, घर में जाही ना तो सबो के एक इज्जत, घर में खुसर ही सबो के इज्जत, तो कर भाई की थे तोर मेरा अकल नहीं है, हाँ होती तो तोर संग बिहाव का बर करते, कोनो इज्जत नहीं है। कार्यक्रम को देते हैं गति, और आइए खेलते हैं कार्यक्रम, कौन बनेगा करोड़पति। अभी मैं बैठे रहे वहां एक जन आई फोटो खिंचवाए बर भैया, एक ठन फोटो चाहिए भैया दो, मैं क्या तो बहुत PS का है एकदम साले बरसात है, मैं छोड़ दे भैया एकदम छोड़ दे, एकदम सादा सर बताऊं मैं, क्या दारू काकर बस साथ है, मैं पिए साले पिए तो तीन छत, ओकर बाद वो कविता सुरता आ गया, एकर से थी पढ़ता हूं। कार्यक्रम को देते हैं गति, और आइए खेलता हूं कार्यक्रम, कौन बनेगा करोड़पति। 1000 बार ये रही सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे, दारू पिए के बाद सबले ज्यादा कौन चीज जरूरी है, ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी पेड़ा, डी गोंदली। अरे जेंट्स और जेंट्स लेडीज मन घलो चिल्लाते गोंदली गोंदली, वाह रे आरंग मानित पड़ी प्रणाम भौजी, तय कत कबीर अच्छा खाता,
गोंदली कंप्यूटर जी डी गोंदली को लॉक किया जाए। अरे गोंदली लॉक कर देवे बासी संघ का लखा वो आप जीत गए 1000 और 5000 बार ये रही सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए सड़क किनारे परे मनखे मेरन सबले पहली कौन जानवर जाते ए गाय बी बकरी सी बैला डी कुकुर। कुकुर राइट सबले पहली जाते कुकुर वही देखते टुकुर टुकुर फिर कम दबाव के क्षेत्र बनाते गरज के साथ छीटे और मोहल्ला वाले बोलते सही नहीं सके साले अतका काबर पीते। अब जीत गए 5000 और 10000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। विपाशा बसु जैन पटकू पहिरते तेकर लंबाई कतका है। सवाल एक बार फिर से सुने विपाशा बसु जैन पटकू पहिरते तेकर लंबाई कतका है। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जी 50 सेंटीमीटर कंप्यूटर जी 50 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए। अरे जल्दी लॉक कर नहीं तो कमती हो जी। दोस्तों इस देश में सवाल ही सवाल है। तभी तो मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ले मिली सी भगवान कसम सीरियसली बोला था भोजी। मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ले मिली बाबा के एक आंखी मुदई से नाश तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोच के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से काले ना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना इसमें अपना भी चांस है। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के भांचा राम जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के भांचा राम कौशल्या के बेटा राम भानुमंत के नाती राम आरंग के गौरव राम मोरर ध्वज के नगरी ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम हमारे अंदर है, राम हमारे अंदर है। अब सब जान डरे राम से बड़े दुनिया में कोई ताकत नहीं। मंत्री ये देश में हमेशा रहे चाहे कोनो पार्टी के रहे राजा पहली बार आईस भगवान राम राजा बन के आईस और राजा मंत्री से 1000 गुना बड़े होते। अब कोई तकलीफ अब राम राज्य ही चिंता मत करो जेकर घर में खुसर ना हो खुसर जाओ एकदम खुश हो गए ले रहे राम राजा के मतलब कहूं खुसर जाओ। अरे बेटा राम राज्य में इसी रही से कि भगवान राम भी एक धोबी के कहे पर माता जानकी के परित्याग कर दी वो राम राज रही से वही राम राज की स्थापना अब हिंदुस्तान में हुई है। मत दू मत नहीं है आप ये मानो कि राम आपके घर में आ गए है। अब राम छत्तीसगढ़ में तो राम रही से माता कौशल्या की जगह इसमें कोई टेंशन की बातें नहीं है। लेकिन क्या कर बे मैं दिल्ली में कविता पढ़ाते रहे एक जन खड़े हो गए ये भोरेवासी क्या है यार उस समय दाऊ रही से वो दाऊ काका निपट गए थे वही वही तो रही से वही समय बोरेबासी चला सब आई एस चम्मच में बोरेबासी खाए और जानते नहीं रही से सैकमा में खाए पर थे बासी ला बोरे ला नहीं जानते नहीं तो मन देखाए चम्मच में खाए क्या है भैया ये बोरेबासी क्या है छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेशन में ही करता हूँ मैं क्या देख ऐसे है राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी फ्रेश राइस फ्रेश वाटर बोरे दैट इज ऑलरेडी बोरे। इसमें समझ में नहीं आता मैं क्या इसे समझ जा जैसे पूजा भट्ट इज बासी एन आलिया भट्ट इज बोरे समझाए के तरीका होना चाहिए। आप बहुत बढ़िया सुना था कवि मन के परिचय कराता हूं संजय कबीर हो गए एक बार लाल जैकेट पहने हैं और उकर सिर में बहुत घनघोर बड़े बड़े बाल है इला हमन छत्तीसगढ़ी में चेंदुआ कैथन और ऐसा हालत ना हिंदुस्तान में दुए आदमी के होते आदमी के मुड़ी में दुए जन हाथ फेरते एक ओकर दाई एक ओकर बाई जब दाई हाथ फेरते ना
तो बाल बड़े घने काले हो जाते हैं, और जब बाई हाथ फेरते हैं ना तो रामानंद त्रिपाठी हो जाते हैं। खड़े हो जा रामानंद, दिखा दे कतेक बाल है ये। और एकर मुड़ील देखता तो मोला लगते बाई तो बाई साले पूरा मोहल्ला हाथ फेर दे। जोरदार ताली बजाओ, बेमेतर से आए हैं रामानंद त्रिपाठी, हास्य के बढ़िया कवि है। ओकर बाद काला मफलर काला जैकेट जेम्स बॉन्ड टाइप के पहन के बैठे हैं, गोलैंदा भांटा है, पेट थोड़ा बड़े है लेकिन वो नॉर्मल है, और पेट के कोनो प्रक्रिया नहीं है लेकिन है गोलैंदा भांटा बरोबर। काला वाले भांटा नहीं आता, गोलैंदा भांटा देखे नहीं, बस वो इसने वो है। लेकिन इश्क मोहब्बत प्यार के जबरदस्त गीत गाते, मैं बता दो ना ओकर लिखे गाना लगा गा के कई लड़का मन टूरी पटा है। हाँ भगवान कसम बताता हूँ, सीरियसली बताता हूँ। ऐसा लिखते हमर मन के जमाना में कार ही से पान ठेलम खड़े रहन, बड़ा उस समय घर के बहुत दबाव रही से पान ठेलम खड़े रहन, कोनो टूरी जाए तो कहन नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी। अब वो टूरी न जाना का करे के किसान है, तो काले मिलती तो जमाना बदल गए। अब तो का है पति के संबोधन बदल गए, पहली पति ला राजू के पापा मुन्नू के दादा ऐसे कहीं कहा, अब ऐसे नहीं बोला है। अब रायपुर में बड़ा एडवांस महिला मन आ गए। मैं देखे मोर बाजू में एक बड़े साहब रही थे, बाहर निकली तो कर भाई कहा था बाबू ने खाना खाया, काला बाबू कहा थे साले 75 किलो के, मेरा बच्चा मेरा बाबू मेरा जानू गुलू 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 गुलू, साले अच्छा संबोधन बना देते है वो तो पति है साले, बोला तक अंगाकर रोटी बना देते सेक के। संबोधन बदल गया, संस्कार बदल गए, ओकर सती दिक्कत। एक चीज बताओ मोला, जिसे हमन कभू दाढ़ी बनवाए बर जाथन कटिंग करवाए बर जाथन तो हमन वहां से आथन सैलून से तो नहाथन। जेंट्स मन देखो का विशेषता है भौजी, आपन से हमारे में अंतर का है, जेंट्स मन आते नहाते। अब मोला एक औरत के नाम बताओ जेन ब्यूटी पार्लर से आके मुंह धोते, कोनो नहीं धोए। तो हम मन ज्यादा साफ प्रिय सामने बैठे हैं, जिन मन चघा चघा के एक एक फेंक एक एक दू एक है ना। हाँ हाँ ये मन जिन बैठे आगू में वो आनंद आनंदित हुए थे, तुमला बहुत आनंद ही वो है करिया कोट वाले है। मैं बताता हूँ वो बल्ब बिल्कुल लिखता हूँ खत खून से स्याही न समझना, जिंदा हूँ तेरे प्यार में मुर्दा न समझना, इतने वाले आए वो। हाँ एक से एक शायरी सुनाई और संजय कबीर हो गया। और अगर आपके हाथों में ताकत और आंखों में शर्म हो तो आप मेरे लिए ठोक सकते हो, मैं सुरेंद्र दुबे हूँ, मैं आपके बीच आते रहता हूँ, टीवी में मोबाइल में आप देखते रहते हैं। और कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करते हैं, समय बहुत हो गया है। जो स्थानीय कवि हैं उनका परिचय मैं जब कविता पाठ के लिए उनको बुलाऊंगा तो मैं कराते जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही सबको नहीं पहचान रहा हूं तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। इधर तीन और इधर दो, पांच है ना टोटल, ठीक है तुम पांच काफी हो, पंच परमेश्वर पांच जन काफी हो। आरंग में पांच कवि है तो बाहर से बुलाई जरूरत नहीं है, लोकल में है तो कार बला डरे लोकल ला कोनो खेपे नहीं। इस अंगना में तुलसी तुलसी में झंडिया बारत रहे हमारे छत्तीसगढ़ के दाई है, एक अंग्रेज आ गया, व्हाट इज दिस स्मॉल प्लांट, इसे कहा ये नानकुन पौधा क्या है इसे, ये मेरा दाई है, दिस नानकुन प्लांट इज मेरा मदर, ये मेरा दाई है इसे, ये तुम्हारा दाई है ये इसे के एकदम हिकारत ये एक एक उखान दी तुलसी पत्ता पत्ता फेंक दी। देखे तो दाई का हाल बनाए, अब छत्तीसगढ़ के औरत की ताकत देखो, वो की दाई मिले दादा से नहीं मिले, दादा कहाँ है कि बाड़ी में, बाड़ी में लगी सो केवाच के पेड़ में रह, और अंग्रेज उखानी साले आज तक खजवात घूमत। अरे छत्तीसगढ़ के औरत की ताकत कम है, एक बार छत्तीसगढ़ के महिला शक्ति पर ताली बजाओ जोरदार। और सबसे बड़े बात है कि पुरुष बजाते हैं, वो चाहिए आप जिन तुम बजाते हो तेन तुम्हारे पर ताली बजाते। आइए रामानंद त्रिपाठी जी आपका सम्मान है, स्वागत है, आप अपना जलवा दिखाइए थोड़ा। नहीं बढ़िया खुश रहा, बहुत पब्लिक है ना देख के पढ़वे बहुत आए हैं, अभी निपटा ही ना, अभी पाकिस्तान निपट बोला क्या करवे पाकिस्तान, नानकुन रेमटा पाकिस्तान, नानकुन रेमटा पाकिस्तान रही रही के झूपत है, और मुसवल देख साले बिले चुकत है। जब देखो एक ठन बात कश्मीर ल दे कश्मीर ल दे, अरे लेना साले बिहार ल ले, अब के गोठिया नहीं बिहार ल पेलबो तोर कराची में बाटी खेलबो। पाकिस्तान कुकुर चीन खरू कुकुर, ओ दोनों भारत दहर देखत है टुकुर टुकुर, ते देखे ये बात में दम है
फिर खंबा ऊपर गोड़ मत उठावे, खालेम बम है। मोरत ध्वज की नगरी ल मैं प्रणाम करत हूं। अपन गोट बात के शुरुआत यही में लेकर था। तरह तरह के वैरायटी के कवि आए है, कोनो लाए है, कोनो बुलाए है, मोल डायरेक्ट टपका है। माता भद्रकाली के नगरी बेमे तरह छत्तीसगढ़ से आपके बीच आए हैं। हास्य के कवियां हसाए के प्रयास कर हूं, हसाए के लिए एक मंत्र से आप सब लमें बांधना चाहता हूं ताकि आप सब हंसे भर मजबूर हो जाओ कि जय हो माता भद्रकाली, तोर दर पे जाए न खाली। पाचू डहार घलक बांध देता हूं मंत्र कि जय हो माता भद्रकाली, तोर दर पे जाए न खाली, और जो कोई एक भी बजाए न ताली, ओला पीटे हो घर घर वाली। आप जानो आपके काम जाना है, जिनमें हंसना है खिलखिला के हंसो, और ताली बजाना है दिल खोल के ताली बजाओ। एक बार मैं कवि सम्मेलन में इसने कविता पढ़ाते रहे, बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए, कोनो ताली नहीं बजाई। फिर बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए, फिर कोनो ताली नहीं बजाई। दूरिया में एक जन आदमी है, टिमिक टिमिक लाइट जलत रहा, वही मेरे बैठे रहा, दो तीन बाल इसने बजाई। तो मैं कह सच्चा श्रोता तू ही मेरे बैठे है, लेकिन बाद में पता चली सू तंबाकू खावा तरी से। एक जन आदमी डंडा लेके इतनी घुमत रहा है, उतनी घुमत रहा है, और बढ़िया बढ़िया कविता सुनावत रहे। साले मुंह डर रहा गए, भाई साहब मोर से कुछ गलती हो गई का, तो डंडा ले काबर घुमा था। नहीं तोर से कुछ गलती नहीं हुए, तो डंडा ले काबर घुमा था। मैं तो आप व्यक्ति ल ढूंढत हूं जेन तोल कविता पढ़े भर उठाई। इसे तरह तरह के बात हो जाते। एक बार इसने कवि सम्मेलन चलत रहा है, भारी भीड़ भाड़ और चारों मुड़ा पुलिस के व्यवस्था। मैं कहूं का हुआ थे, तो कहते कवि सम्मेलन हुआ थे, और कवि सम्मेलन हुआ थे तो पुलिस के कार वाले, तो कहते सुनैया मन में भग जाए देखा से थी। उखर पाछू महिला पुलिस, ये महिला पुलिस के कार वाले है, तब पुलिस मन मत भग जाए देखा से थी। मैं सरकारी आयोजन है, मैं आयोजक गणला मैं निवेदन करत हूँ, दू जन आदमी डंडा धरा को मेरे बैठा दो, सुने बर आवे तो, लेकिन सब जन सुने बाद में जा सकते। ऐसे तरह तरह के बात हो जाते। बात में इसने व्यंग हो जाते, चार लाइन से अपन बात के शुरुआत करत हूँ। आज श्रोता है सामने मेरे पास, आपका सेवक बन काम करूं, आपका ही आशीष मिला मुझको, जाप आपका सुबह शाम करूं, ज्ञान मिला मुझे मान मिला मुझे, उसको ही मैं आपके नाम करूं, भगवान को ढूंढने जाऊं कहां, आप में ही बसा है प्रणाम करूं, आप में ही बसा है प्रणाम करूं। बड़े भैया के फोन है कि तय कवि सम्मेलन में आ, तुरंत आ गए। मैं आदमी के भरोसा कम फोन के ज्यादा करता हूं। फोन ऐसन भरोसा लायक है, ऐसन भरोसा लायक है, अगर कहीं कोनो कोनो जगह जाना है ना, अब पूछते कहां हस, बस ऐसे पहुंचने वाला हूं कि थी, भले खाले नहीं निकले रहा है, अब का भरोसा लायक दी थी। एक जन आदमी एक जन औरत है, अपन गोसैया ल पीटत है। मैं कहूं का हो गए, तो पीट ले थो तब बताऊं, और का हो गए बताबे, तब मैं अपन गोसैया ल फोन लगाए। एक जन औरत की आवाज आई, वो औरत बोलत रहा है, जिस व्यक्ति को आपने फोन किया वो भी बीजी है। देखा स्थिति पीटे, शुरू शुरू में कहा है मोबाइल के चलन कम रहा है, जगह जगह एसटीडी पीसीओ रहा है, एक टन एसटीडी पीसीओ में लिखा रहा है यहां मोबाइल से शादी किया जाता है। मुंह हड़बड़ आ गए सारे, यहां फोन से शादी किया जाता है। मैं हड़बड़ आ गया सारे, मैं कह बता तो कैसे करते, बता बोलते मेरा बैठ, मैं बता, मैं बैठ गया। बोलते अगर कहीं मंगनी है तो मंगनी है तो एक दबावे, शादी है शादी है तो दो दबावे,
और सगई है ते तीन दबावे। मैं कहे दूसर ब्याह करना है काला दबाए लगी, पहली पत्नी के गलाल दबावे। ऐसे तरह तरह के बात हो जाते, बातें व्यंग बन जाते। मैं चार लाइन से शुरुआत करत हूँ, एक बार ताली से आप इजाजत दो, सीधा सीधा कविता मावत हूँ। शादी हुई है जब से मैं तो चंगा हो गया, शादी हुई है जब से मैं तो चंगा हो गया, बीबी के साथ ही मेरा पंगा हो गया। शादी हुई है जब से मैं तो चंगा हो गया, बीबी के साथ ही मेरा पंगा हो गया। किसे बताऊं हाल वो जो मेरा हो गया, अच्छा बुरा जैसा भी था गंजा हो गया, अच्छा बुरा जैसा भी था गंजा हो गया। हमार बड़े भैया बोले है ज्यादा लंबा चौड़ा कविता सुनाबे ना तोर पेमेंट लगाड़ दे जाए। भैया बताते एक बार कवि है ना लंबा चौड़ा कविता सुना दीस, सामने मुख्य अतिथि बैठे रहे, मुख्य अतिथि निपट गए, पुलिस वाले ओल पकड़ के ले गए, जज ओल फांसी के सजा सुना दीस। जज ओल पूछते कैसे तोर नाले के मुख्य अतिथि निपट गए, बोल फांसी होते तोर अंतिम इच्छा है तो बता। तो बोलते जज साहब मुख्य अतिथि मोर आधा कविता सुने रही, पूरा कविता मैं आपला सुनाना साहब। ऐसे तरह तरह के बात होते तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सुना, साठ गट में आवा था। रीति सभी रिवाजों को तो तोड़ दूंगा मैं, रीति सभी रिवाजों को तो तोड़ दूंगा मैं, तेरे ही लिए सारे जहां छोड़ दूंगा मैं, रीति सभी रिवाजों को तो तोड़ दूंगा मैं, तेरे ही लिए सारे जहां छोड़ दूंगा मैं। किस्मत में मेरी तू नहीं मिली तो प्रिय, पत्थर से तेरे बाप का सिर फोड़ दूंगा मैं, पत्थर से तेरे बाप का सिर फोड़ दूंगा मैं। चार लाइन कुंवारे लोगों के ऊपर। हाँ। अच्छा भला कुंवारा था बवाल हो गया, अच्छा भला कुंवारा था बवाल हो गया, शादी किया तभी से ही मलाल हो गया, अच्छा भला कुंवारा था बवाल हो गया, शादी किया तभी से ही मलाल हो गया। किसको मैं बताऊं अपने दिल के भला हाल, बकरे के जैसा मैं भी तो हलाल हो गया, बकरे के जैसा मैं भी तो हलाल हो गया। एक बार एक कवित्री मोल की थे भैया आप हास्य लिखता, मैं कहूं हाओ आप लग गीत लग लिखना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, अगर कहीं ओखर जवाब सही सही दे हूं तो आप सबके ताली के जवाब चाहिए। बोलते आप हास्य लिखता गीत गलत लिखे करो, तो मैं कहे सुन कवित्री तोर कहां सुरीली गला, मोर कहां फटी बांस के गला, दोनों गला मिला के दो गला कैसे हो सका था बता। मैं गीत नहीं लिखा, गीत वो लिखते जो प्यार मोहब्बत करते। मैं डायरेक्ट शादी करता हूं, मैं डायरेक्ट शादी करता हूं। बोलते तो प्यार मोहब्बत नहीं करस, तो मैं कहे सुन उल काग से नहीं करो तेल बता। एक बार काहे रेलवे स्टेशन में कवि सम्मेलन में गए रहा, एक जान भिखारी मोर में रात है, बोलते भाई साहब 20 रुपया चाय पिए बर दे देते, बाबू साहब 20 रुपया चाय पिए बर दे देते। मैं क्या भाई चाय के तो 10 रुपया लेते, 20 रुपया काबा लेवा था। ऐसे है ना एक जन मोर गर्ल फ्रेंड देखा नाम लेके लेवा था, अरे शरम नहीं आवा भिखारी होके तो गर्ल फ्रेंड रखता, शरम आना चाहिए तोल भाई कि तो ये मैं शरम के का बात है बाबू साहब, जब ले मैं भिखारी जब ले मैं गर्ल फ्रेंड रखे तब ले मैं भिखारी बन गए। ऐसे तरह तरह के बात होते, बस बहुत जल्दी जल्दी कर दे मैं सिमटावत समटावत हूं। एक बार ताली बजा करके आप इजाजत दो बता। अपना तुझे बना लूं परमानेंट समझ कर, अपना तुझे बना लूं परमानेंट समझ कर, सब कुछ तुझे दे दूंगा एग्रीमेंट समझ कर, अपना तुझे बना लूं परमानेंट समझ कर, सब कुछ तुझे मैं दूंगा एग्रीमेंट समझ कर। तेरी ख्वाहिश अधूरा न रह पाए पिए, कुछ भी हो कह देना हस्बैंड समझ कर,
कुछ भी हो कह देना हसबैंड समझ कर। चार लाइन फिर। करता रहूंगा प्यार मैं जान समझ कर, करता रहूंगा प्यार मैं जान समझ कर, कुछ भी हो कह देना ये तुम मान समझ कर, करता रहूंगा प्यार मैं जान समझ कर, कुछ भी हो कह देना मैं मान समझ कर। डंडा से तेरे भाई ने हिसाब जो किया उसको संभाल रखना सम्मान समझ कर, उसको संभाल। ये थे भाई रामानंद त्रिपाठी। और आरंग के एक बात खास है, यहाँ के आदमी एकदम झकास है। अरे दोनों हाथ उठा के, आरंग के एक बात खास है, यहाँ के आदमी एकदम, दोनों हाथ उठा के एकदम झकास है। मैं एक जन ने पूछे कैसे तो लड़का तो तरा थे का, हमेशा नहीं तो तरा है, बोलते तब तो तरा थे। जबरदस्त आत्मविश्वास है एकर से की आरंग के आदमी एकदम एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेके माचिस मांगने वाला मैं हजार देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है एकर से की आरंग के आदमी एकदम। पति पत्नी में झगड़ा हो गए, पत्नी की तय का करे है, बड़ा फुटानी मारा था, दुकान ला दद खोलवाई, मकान ला काका बनवाई, तय का करे है। आरंग के बाद बताता हूँ, ओके दादा दुकान ला खोलवाई, काका मकान ला बनवाई, तय का करे है। थोड़ा देर तो गई, एक पैक जेब से निकाली, क्वार्टर से गई, का कहत रहे रे, वही कहत रहे हो, दुकान ला दद खोलवाई, मकान ला काका बनवाई, तय का करे है। अच्छा साले ये तीन लड़का लग गूगल से डाउनलोड करे है। जबरदस्त आत्मविश्वास है एकर से ती आरंग के आदमी एकदम। कोनो जवान टूरी के एक्टिवा मोपेट तो बिगड़ जाए, आरंग के लड़ा जी छुट्टा मन पाना पेंचिस धर के चल देते। क्या हो गया मैडम, व्हाट हैपन मैडम, मे आई हेल्प यू मैडम, आप टेंशन में मत रहो मैडम। अबे मैडम टेंशन नहीं है, साले ती टेंशन में काक काक के किक मारी, प्लग साफ करी, गाड़ी स्टार्ट करी और टूरी जात जात, थैंक यू भैया, धन हो गए। ये बात खास है एकर से की आरंग के आदमी एकदम एकदम झकास है। रूस यूक्रेन के लड़ाई होते है, अभी भी चलत है, यूक्रेन के आदमी आ गए आरंग में, ये नो है रूस यूक्रेन, ये यही के अतका चक्कर लगाते तोर बिहाव हो जाती है। और इतना खोजत है जिन लता खोजत है बाबू, आज वो नहीं आए, एक जगह बैठ जा, आत्मा मोक्ष में मिल जाए। आरंग में एक आदमी आ गया यूक्रेन के, बोली इसकी हम गरीब देश, रूस अमीर देश, आप आरंग के झकास हो, हमको बताओ एक आध जिससे हम रूस से लड़ ले। तो आरंग के आदमी कहा कहते थे इसे कर मोर बात न मान, का मैं बताता हूँ फोकट में तोला आइडिया देता हूँ, का कि हेयर एंड शोल्डर के शैम्पू ला पानी में घोल के रूस के ऊपर सींच। बोली एकर से का हुई, अबे एकर से रूसी मरते। जबरदस्त आत्मविश्वास है इसके कारण आरंग का आदमी एकदम एकदम झकास है। इसीलिए आपके आरंग की आदरणीय सुनीता सोनी जी बैठी है शायद, है ना, हाँ अभिवादन। इन्होंने मेरी कविताओं पर रविशंकर विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और इनको पीएचडी दी गई है रविशंकर यूनिवर्सिटी से, और आज सुन भी रही हैं। पीएचडी कविताओं पे पहले कर ली है, सुन बाद में रही है, बहुत महान हुआ। बैठिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे ऊपर 5-6 पीएचडी हुई, आगरा विश्वविद्यालय, रांची, बिलासपुर, रायपुर, मेट्स यूनिवर्सिटी, ये कोनो बड़े बात नो है। मोर 10 किताब छपीस, ये भी कोनो बड़े बात नो है। मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़े, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, ये भी कोई बड़े बात नो है। बड़े बात अगर कुछ है तो सिर्फ ये है कि मोर जन्म छत्तीसगढ़ में हुए है और मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। मोर जन्म छत्तीसगढ़ में हुए है और मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। छत्तीसगढ़िया से बने कोनो आदमी नहीं हुए। जब मैं 85 में अमेरिका गया
सुनीता मैडम हवाई जहाज नहीं देखे रहे, मुर्दाई कहा थे बहुत दूर जात हस बेटा, खाए बर नहीं मिल ही रहे, ते ठेठरी ला चार ठन खाक पानी पी ली बे, इसी की डब्बा जोर दी, एक डब्बा डालडा डब्बा ठेठरी, वो अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट में पकड़ा गया। वो शिकागो वाले जमीन चक्री बरबर गोल गोल रही थे, बम बरबर दिखते साले, वरे ठेठरी किस बात ठेठरी, मैं बोला डब्बा सर जाएगा साले, ठेठरी नहीं सरेगा। तो छत्तीसगढ़िया के क्वालिटी अच्छा, छत्तीसगढ़ी में कई शब्द ऐसे होते जेकर कोनो भाषा में कोई शब्द नहीं हुए, जैसे जो जोआ, ना एक हिंदी में कोनो अनुवाद है, ना अंग्रेजी में, ना फ्रेंच में, ना लैटिन में, जो जोआ मतलब इंटरनेशनल जो जोआ, भोकवा, भोकवा के कोनो शब्द नहीं है, ना अंग्रेजी में, ना हिंदी में, ना उर्दू में, ना लैटिन में, ना फ्रेंच में, भोकवा मतलब परमानेंट बाई बर्थ भोकवा, भसरंगले, साले आज तक अगर मीनिंग में नहीं समझे के भसरंगले का मतलब है, तोर में आ रहे हैं डॉक्टर भसरंगले, फिर तैनी मिले भसरंगले, फिर तोर बाई मिली भसरंगले, ये मतलब छत्तीसगढ़ी या पंजाब में कैसन लैंग्वेज है। अच्छा हमारे यहाँ का एक गाय के परंपरा है, छत्तीसगढ़ के गाय के परंपरा बिहाव में घलो गाते, कोनो लड़का बच्चा होते तबो गाते, और मर जाते तबो गा गा के रोते, ये परंपरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में कहूं नहीं है। आज के दिन तोर दादा होतीस बेटा, अपन दुखला मैं रो डारते हो ना, जैसे मरार के गोभी फूले बेटा, तैसे तोर ददल टोपी खुले ना, घा का के रोते, ताली बजाओ सांस लेना है। आज के दिन तोर ददा होतीस बेटा, अपन दुख ला मैं रो डरते हो ना, जैसे मरार के मिर्चा फूले बेटा, तैसे तोर ददल मेछा खुले ना, घा का के रोते, गाय के परंपरा ही छे, रोए के परंपरा भी ही छे। अब तो थोड़ा कम हो गए, आरंग बड़े जगह हो गए, पहली छोटे जगह रही से, तो ऐतिले आना जाना हो गया, तो उस समय तक डेवलप नृत्य तो महानगर के साथ जुड़ के महानगर हो गए। मोर भाई के शादी सहसपुर लोहारा में हुए, बड़े भाई के, मैं अपन आठवीं पढ़त रहा तो अपन भौजी लेबर गया लोहारा, तो बेटी विदा होत रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा परंपरा है, बेटी विदा होते तो पूरा गाँव के लेडीज बन जाते हैं, और जब गाड़ी रुक जाते बस आ जाते तब वो सब धन से मिल मिल के रोते, तो कंडक्टर बोलते जरा जल्दी पहली से रोके नहीं रेडी रहते, वो जब गाड़ी आ जाए बस आ जाए तब रोना चालू करते, तो मैं हंसा, तो मोर भौजी का तुमको शर्म नहीं आती, बेटी विदा हो रही है तुम हंस रहे हो, मैं क्या पूरा ड्रामा है, काय का ड्रामा है, बेटी विदा होते पर पहली से रो रू आके तैयार रहती, रेडी ऑलरेडी बस आई चक जाती, बस आ गए सब बोटर बोटर देखा थे बेटी ये कर ले, कका नहीं जाओ बाबू नहीं जाओ, जाए लगी बेटी नारी धर्म धरे हर तो जाए लगी बेटी, अब वही तो मैं फिर हंसे, तो बोल भाई भौजी नाराज हो गए एकदम, मोरे पाछू बैठ गया आगे, थोड़ा देर तुमको शर्म आना चाहिए, बेटी विदा हो रही है तुम हंस रहे हो ऐसे, की बोला कि आठवीं पढ़त रहो देखबे अभी कर आइटम ना देखबे, मैं क्या एक से एक, थोड़ा आगे गिस मोटर रुकी तो वो अपन दुल्हा ला फ्रेश दुल्हा शोरूम डिलीवरी वाले नवायरी से एकदम फ्रेश रही से बिना आईडिंग पेंटिंग वाले कोहनी मारी से पान लानते जी से मैं के देखे ये सेकंड पीस है और वो आज्ञाकारी कुकुर बरोबर दौड़त गिस पान लाने पर पान लानी पान लदीस तुम्हारे भौजी कहा थे मैं कहा देखे अब देखबे फाइनल फेस पान लधरी साथ में नवा दुल्हन है बहुत भैया सुरता करत रही से भाभी घलो बहुत रोवत रही से पान ला मुंह डरी एक पर चबईस चमन बाहर नहीं डाले रहे हो का ये चमन बाहर वाले हैं सब बड़ा अजीब स्थिति है लोगन पूछते हैं अभी कल रायपुर आज रायपुर में कार्यक्रम रही से जन मुलाकात है यार ये व्हाट इज फोक आर्ट किसको कहते हैं लोक कला छत्तीसगढ़ के लोक कला इतना मैच्योर है अभी हम देखें ना पद्मावती वाले मन कार्यक्रम करत रही से यही नृत्य रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में भी आज 4 बजे हो रही लड़की चमन करे रही 11 बजे ले तैयार आगे रही लुगरा पहन के माड़ी तक
मतलब छत्तीसगढ़ पिछड़ा नहीं है, मारी तक लुगरा पहने के फैशन यहाँ घलो है जिन बम्बई में तो नहीं आए और सीखे ले का। और वो हमारे यहाँ 11 बजे ने टूरी मन तैयार और चीफ गेस्ट नहीं है इस ब्रजमोहन अग्रवाल उकर जिन सुअर ही से ना तेना इसे लटक दे। तो मैं कह कैसे तुमन सुहा नाच नहीं करा था हम बर सुहा घलो लटक गए इस काल। मैं कहला नीचे से जैक लगा के ऊपर करो सुहा ला तब नाचो कर बात कैसे नाचो। तो कहा थे व्हाट इज फोकट बाहर से आ रही से दिल्ली बंबई से कहा थे फोकट क्या है छत्तीसगढ़ का फोकट क्या है। मैं कह ले सुन सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसवा रे। अरे सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसवारे। अरे झीक कुदक के डौकी लाने हुल लग गए मुसवारे। ये है लोक गीत लोक सॉन्ग। ये पार नदिया ओ पार नदिया बीच में बंगाला रे। ओए अरे समधिन के लड़का हो गया ठोक दो दंगाला रे। कुंभ में यहाँ राजिम में मेला लगे रहा है एजेंटूरा आगे भैया का मोन भैया टेटू बनवाए के बहुत मन कर रहे थे टेटू बनी आए रही पिछले राजिम कुंभ में वो जन माघी पूर्णिमा कर दे रही नहीं कांग्रेसी मन वही ला तो मैं आए रही हाँ कुंभ मेला का नाम तो बदल दे बताओ हमारे राजिम कुंभ इतना नाम है अभी बार तो जोरदार वही बड़े बड़े अभी कल तय हुई से बागेश्वर बालाजी भी एक दिन के कथा करी राजिम कुंभ में। ये आप लोग मैं शुभ समाचार देता काली ब्रजमोहन जी वाला तय करे है बागेश्वर बालाजी के कार्यक्रम करे बर कला ही हो शायद घोषणा भी करे बहुत बढ़िया। तब वो मैं टेटू बनवा लेते मत बनवा बे पिराते इसे नहीं भैया मोर बहुत मन है टेटू बनवा क्या बनवा लेंगे बनाई तो आके मैं लौटे तो रोवत रही कार रोवत रही तो बोले रहे ना मत बनवा टेटू पिराते। वो पिराए पर नहीं रोवत हो भैया तो काबर रोत हस बे मैं कैटरीना लिखे पर बोले रहे साले कमीना लिख दे। तो अपन अपन कष्ट सब ला है कैसे कर गए। आइए इश्क मोहब्बत प्यार और राष्ट्र प्रेम सबके गीतों पर जिनको महारत हासिल है। गीत लिखना बड़ा कठिन काम है। अभी मंत्री जी आए रही है मैं ब्रजमोहन जी के 15 साल तक ओएसडी रहे हूँ। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं मंत्री मन बहुत सुलभ हो गए आसानी से मिल जाते काबर यही लोकल है यहाँ ले आरंग 40 से 40 किलोमीटर रायपुर जा खड़े हो जा जाके विष्णु देव साव कागू में 40 कद का पैसा लगते बस में 50 रुपये लगत हुई कतेक लगी है ना भाई। तो वो फट ले चल रहे अब वो कागज में लिख के ले गए मंत्री दे दी मंत्री की इसका है बिहार 12 साल हो गए है लड़का नहीं हुआ थे। तो साले मंत्री का कर ही जेन करना है तू ही करना है वो खाली तोला आशीर्वाद दे सकत है मतलब बेवजह के आवेदन देना। अभी टंकराम जी ने झंधरी से आवेदन आवेदन में लिखा रही से हमारे मरघट्टी में बाउंड्री वाल होना। साले मरघट्टी में काबर बाउंड्री वाल हुई रात के मुर्दा आके सूत जाते कि मरघट्टी के मुर्दा भाग जाते नहीं वो लिखे हमार गांव में रेल होना काबर होना लड़का मन देखी आ ही जा तो पथरा फेंकी। अरे कुछ भी मांगता तुम मन बेवजह की चीज मांगता मंत्री पा गए तो फट ले हबर गए तो कुछ भी बैठो भाजी अभी तो देवर बच्चे कार जा था। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना सुना नहीं तो कौन सुनता है बताइए। आज के जमाने में बेटा बाप की नहीं सुन रहा है भाई भाई की नहीं सुन रहा है इतने माप हमारी सुन रहे हैं बहुत बड़ी बात है। अभी धीरे धीरे हम कविता को ऊपर ले जाएंगे। अभी हम जनता के लिए लोक रंजक कवि सम्मेलन कर रहे हैं इसके बाद ज्ञान वर्धक भी होगा। टीआई साहब यहाँ पर हैं क्या कहाँ हाँ एक कविता मैंने इनसे वादा किया था कि मैं आपको भेंट करूंगा वो कविता मैं क्योंकि कितने समय तक रहेंगे फिर चले जाएं कोई चोर चक्कर आ जाए तो अभी जाना पड़ेगा ककरो कुकुर गवा जाए तो वो आजकल थाना में फोन कर दे हमारा कुत्ता गुम गया है तो पूरा टीआई का करी कुकुर मसाले आदमी नहीं मिला कुकुर कहाँ खोजी तो कते भारी जिम्मेदारी हो गई। हाँ और यहाँ बैठे है तब चोरी हो नहीं सके काबर से ये टीआई घलो बैठे 10-15 सिपाही घलो यही बैठे चोरी कौन करी सब यही बैठे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है आज की रात सुरेंद्र दुबे को याद रखना तो इस कविता से याद रखना पुलिस से बड़ा कठिन काम किसी का नहीं है बहुत कठिन काम है। मैं नोडल अधिकारी था सर जब करीना कपूर रायपुर आई थी
डांस करने के लिए। मैं संस्कृति विभाग के तरफ से नोडल अधिकारी रहे, ओकर सूखा कपड़ा मोर पास रही से पानी गिर गए, तो सब लोग पूछे वेर इज सुरेंद्र दुबे, वेर इज सुरेंद्र दुबे, तो सब जन कहा ये करीना कपूर यार सुरेंद्र दुबे बहुत पूछा था। मैं कह साले एक वर्दी पूछा तो सूखा कपड़ा उनमें धरे हो, वो गिल्ला कपड़ा पहने। ये पुलिस अपने बच्चों को कभी कवि सम्मेलन नहीं सुनाती, कभी हेमा मालिनी और करीना कपूर का डांस नहीं दिखाती, इनका परिवार कभी नहीं आता। पुलिस का दर्द यह है कि उनका परिवार कभी किसी कार्यक्रम में नहीं आता। वो पुलिस आपके परिवार को कार्यक्रम दिखाती है कि आप देखो ये है पुलिस। जब विनोद चौबे जी की शहादत हुई तब मैंने दर्द गाया, आज की रात इससे बढ़िया कविता आपको सुनाने के लिए नहीं होगी, कि मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। मुझे देखिए अच्छी कविता में भी खूब ताली बजाएंगे तो कभी अच्छी कविता पढ़ेगा। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, क्या होली और क्या दिवाली, अरे गश्त है गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं पूरा परिवार त्रस्त है, सिपाही पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप ये सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर आसमान तक तालियां दे विनोद चौबे तक, तभी ये सिपाही ईमानदार सिपाही मुझे बहुत पसंद आता है। रिटायर पुलिस का तो हाल बेहाल होता है, न चूल्हे में आग होती है न कनस्तर में अनाज होता है, उससे भी ज्यादा बदतर होती है लोगों की नजरें, जो हर पल एहसास दिलाती हैं कि तुम्हें तुम्हारे पाप का फल सहना है, तुम्हारे बदन ने 62 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है, और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला ये सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। इसीलिए अंगुली उस समय तक उठे रहेगी जब ताली नहीं बजाओगे, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। सिपाही के दर्द को पहचाने, आप उनकी ड्यूटी को देखें। सिपाही का मजाक उड़ा लेना तो बहुत आसान है, अगर वो नहीं है तो आप नहीं है, अगर सिपाही नहीं रहे तो कभी सम्मेलन नहीं होगा, और ना करीना कपूर नाचेगी क्योंकि दूसरे लोग उसके छाती में नाच देंगे, हाँ इसलिए नहीं नाचेगी बेटा, इसलिए समझो। मैंने आदरणीय सिंह साहब से कहा था कि मैं एक कविता आपके लिए समर्पित करूंगा, सिंह साहब अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार खड़े होकर ताली बजा दें, ताकि मुझे लगे कि आपको ये कविता पसंद आई। सब लोग जितने हैं पुलिस के जवान में विनोद चौबे की शहादत को सलाम करते हैं हम। आरंग जैसे मोरध्वज की नगरी में ऐसी कविता का होना जरूरी था, इसलिए पढ़ा गया। वो अलग बात है कि गुरु खुशवंत साहब अभी नहीं आए, उनके बाद आने के बाद मैं दूसरा कैसेट लगाऊंगा, अभी तो पहला ही कैसेट चल रहा है। आइए अब इश्क मोहब्बत प्यार गीत स्वर गाने, और गाने में बड़ी दिक्कत है भाई साहब, गानों को बर्बाद किया फिल्मों ने। जैसे सामने में बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, ऐसी सब सामने में इधर बैठे हैं। हम बंबई में कविता पढ़ रहे थे, कोई ताली ना बजाए, हम बोले आप ताली नहीं बजाते हैं, बोले हम क्यों बजाएं, अमीर हैं आदमी रखे पीछे वो बजाएंगे। बोले तुम लोग हंसते भी नहीं, बोले हम क्यों हंसे, अमीर हैं आदमी रखे पीछे वो हंसेंगे। मैं बोला यार 2 साल बाद उसकी शादी हो गई, आइए, मुझको मालूम था आप आएंगे, जरूर आएंगे,
और नहीं आएंगे तो बताने आएंगे कि नहीं आएंगे। बैठ जाइए, हो गया घर का काम, हो गया सब। घर में शांति रखना जरूरी है। सुबेरे कजरा मांजोगे तो ठंडे पानी में तकलीफ होती है, रात को रेडी रखो। हाँ बता रहा हूं ना, मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उसकी यही पीड़ा है। गाना क्या है, कैसे गाने आते हैं फिल्मों में भाई साहब, मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, क्या करे किराए पे दे दे। अब जिसके दो घर होते हैं किराए में देता है, वो राम जी मेरा पिया घर आया। अरे सभी पिया घर में आते हैं, कौन पड़ोस में घुस जाता है। ऐसे गानों के बीच भी गीत लिखना बहुत कठिन है, गीत लिखना कठिन है, गीत सुनाना कठिन है और गीत सुनना कठिन है। दो कठिन काम रमेश विश्वहार करता है, एक कठिन काम आपको करना है, मन से सुनना है। और छूट गई है, होरी सिंह ठाकुर नगर पालिका सीएमओ है ना, सीएमओ कभी ना सुबेरे सो के उठे तो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता, उसको नाली देखनी पड़ती, जाम तो नहीं है। अच्छा सुबह से साला 6 बजे रहेगा सीएमओ साहब, हाँ और मोर दुआरी नाली जाम हो गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जोनल अधिकारी बोलू ना उस साइड के, तो थोड़ा सा मुंह हिला दे नाली साफ हो जाए। सीएमओ बहुत मतलब कभी पत्नी कितनों भी तैयार हो जाए, सुबेरे उठ के उसको नाली देखना पड़ता है कि जाम तो नहीं है। सीएमओ बनना बहुत कठिन है, मैं बता रहा हूँ, है ना दर्द आपका, ये नाली देखते हो ना आप, हाँ बस नाली देखोगे जीवन सिम कटेगा आपका। सेहत से मैं जवान था, 70 का हो गया, आंधी से उड़ाए हुए 56 सा हो गया। दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, इतना छला मुझे, इतना छला मुझे, मिट्टी सा कलेजा था जो पत्थर का हो गया। वाह वाह बढ़िया 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 रमेश बढ़िया है। फिर भी दुआएं आशीर्वाद कम कम मिली है साहब, मैं 4 पंक्ति और पढ़ूं, ऐसा ही थोड़ा आदेश करें, ताली बजाकर। फूलों से प्यार क्यों है तितलियों से पूछिए, फूलों से प्यार क्यों है तितलियों से पूछिए, बादल के साथ क्यों है बिजलियों से पूछिए, फूलों से प्यार क्यों है तितलियों से पूछिए, बादल के साथ क्यों है बिजलियों से पूछिए। और आरंग वालों साथ दीजिएगा, बादल के साथ क्यों है बिजलियों से पूछिए, हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों। वाह, और जितने मेरे युवा मित्र हैं उन सब का हाथ रुकना चाहिए। फूलों से प्यार क्यों है तितलियों से पूछिए, बादल के साथ क्यों है बिजलियों से पूछिए, हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों, हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों। पानी का मोल जाके मछलियों से पूछिए, पानी का मोल जाके आओ। 4 पंक्ति आपके मन का पढ़ता हूं साहब।
मैं जानता था मुझको भुलाओगे एक दिन, मैं जानता था मुझको भुलाओगे एक दिन, उल्फत के आशियां को जलाओगे एक दिन, मैं आंखों में बरसात बचा करके रखा था। और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आंखों में बरसात बचा करके रखा था, मैं आंखों में बरसात बचा। सर आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं गुरुदेव गुरुजी खुशवंत साहब जी के लिए। उनको भी इश्क मोहब्बत प्यार की शायरी अच्छी लगती है। जब रमेश विश्वार आए तभी वो आए, मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। रमेश विश्वार को आदेश देता हूँ कि वो अपनी कविता कंटिन्यू रखें। आपने खुशवंत साहब जी की मन की बात में चार पंक्ति पढ़ता हूँ। यार ये कैसी सजा देता है, दर्द देता है दवा देता है, जिंदगी मौत के करीब हो तो कम वक्त जीने की दुआ देता है। माननीय विधायक जी सुनिएगा, स्वागत है। मैं जानता था मुझको भुलाओगे एक दिन, उल्फत के आशियां को जलाओगे एक दिन, मैं आंखों में बरसात बचा करके रखा था। और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आंखों में बरसात बचा करके रखा था, मैं आंखों में बरसात बचा करके रखा था, मैं जानता था आग लगाओगे एक दिन, मैं जानता था आग लगाओ। और चार पंक्ति जो मेरे मन के मैं पढ़ रहा हूं। तन्हाइयों ने नैन को झरना सिखा दिया, तन्हाइयों ने नैन को झरना सिखा दिया, तन्हाइयों ने नैन को झरना सिखा दिया। जब प्यार होती साहब कुछ समझ नहीं आता, जब प्यार बात होती तो कभी कभी मुझे ये बात आती है कि मित्रों प्यार के लिए ये चार पंक्ति कहता हूं कि स्वागत स्वागत बढ़िया बढ़िया पढ़ रहा पढ़ो पढ़ो राम भक्त याद है। मैं समझ रहा हूं बेटा कि ये राम आपके अंदर है, लेकिन साहब राम को भी युद्ध पर सीता से था प्रेम, जो आज हमारे ब्रह्मांड की मां है। प्रेम के बिना न धरा न आकाश उम्र की प्यार प्यार राम। तन्हाइयों ने नैन को झरना सिखा दिया, सुनना चाहते हैं? मैं गीत पढ़ता हूं, चलो। चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना। और गीत को मैं इसी शर्त पर पढ़ूंगा कि यहां से लेके वहां तक मेरे गीत के साथ आपका संगीत चाहिए, तो मुझे पढ़ने में मजा आ गया आपको सुन भी। और मैं जरूर आपके लिए एक मैं आखिरी में एक राम का गीत पढ़ूंगा। हाँ भाई स्वागत है। चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना। आज पूनम की रात है, आज पूनम की रात है, निकलेगी गोरी गांव की। चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना,
कल 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 छल 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 झरने जैसी हंसती है, कल 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 छल 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 झरने जैसी हंसती है, सर 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 मध्यम मध्यम पुरवैया सी बहती है, ऋतु बसंत की अंगनाई, ऋतु बसंत की अंगनाई उसकी यौवन पे मरती है, ऋतु बसंत की अंगनाई उसकी यौवन पे मरती है। मोर जरा तुम चुप रहना, मोर जरा तुम चुप रहना, उपवन को ना थिरकाना, मोर जरा तुम चुप रहना, उपवन को ना थिरकाना, घिर आई बदरी सुन लेना, घिर आई बदरी सुन लेना, छमकेगी पायल पाँव की, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना, आज पूनम की रात है, आज पूनम की रात है, निकलेगी गोरी गांव की, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना, खेतों की हरियाली मांगे तुमसे जीवन का मधुबन, खेतों की हरियाली मांगे तुमसे जीवन का मधुबन, सांसों से तेरी खुशबू मांगे मैसूर का चंदन वन, सांसों से तेरी खुशबू मांगे मैसूर का चंदन वन, मेरा मन गोकुल हो जाए, मेरा मन गोकुल हो जाए, तेरा मन वृंदावन, मेरा मन गोकुल हो जाए, तेरा मन वृंदावन, कोयल तुम भी चुप रहना, अमरैया ना कुहकाना, कोयल तुम भी चुप रहना, अमरैया ना कुहकाना, फगना ही ब्रज में कूकेंगी, फगना ही ब्रज में कूकेंगी गोरी नंद गांव की, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना, आज पूनम की रात है, आज पूनम की रात है, निकलेगी गोरी गांव की, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना, सब रंगों में रंग जाती है, किस रंग का मैं नाम धरूं, सब रंगों में रंग जाती है, किस रंग का मैं नाम धरूं, कभी सुबह हो कभी दोपहरी कभी सुहानी शाम कहूं, वो रंग है मेरा सबसे प्यारा, वो रंग है मेरा सबसे प्यारा, जिस पर मैं बदनाम हूं, वो रंग है मेरा सबसे प्यारा, जिस पर मैं बदनाम हूं, समय जरा तुम रुक जाना, उसके आगे झुक जाना, समय जरा तुम रुक जाना, उसके आगे झुक जाना, और तुम भी सुस्तानंदित होना, तुम भी सुस्तानंदित होना, उन पलकों की छांव की, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना, आज पूनम की रात है, आज पूनम की रात है, निकलेगी गोरी गांव की, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना, चांद जरा तुम रुक जाना, पर्वत पीछे छुप जाना। और एक गीत मेरा अब सुनाता हूं आपके लिए, सुनिए, अब सुनाता हूं। नाचारी चुगरी लाई लिगरी संग हमर मितानी, जांगर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी, औ जिंदगी जी थन हमन जी सभी मान के, और राम भक्त जितने हैं सब तैयार रहिएगा, औ जिंदगी जी थन हमन जी सभी मान के, हम तो
ममायन भगवान राम के। तो एक साथ राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया, एक साथ राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम। नाचारी चुगरी लाई लिगरी संग हमर मितानी, जांगर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी। औ जिनगी जीतन हमन जी सभिमान के, हम तो ममायन भगवान राम के। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। माता कौशल्या के मई के सिय काटिस बनवासी हरई के, माता कौशल्या के मई के सिय काटिस बनवासी हरई के। तुर तुरिया मा लो कुस जनमिन दीक्षा पाइना श्रम मारही के। वाल्मीकि के गुण अति आगर, रमाणपुर हमारे छत्तीसगढ़ में है, वाल्मीकि के गुण अति आगर दुनिया के पहली कविता आकर। उपजिसिए भूया मा ये परमान हे, हम तो ममायन भगवान राम के। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जब जब अश्वमेघ जग होइस ओकर घोड़ा छोड़े गईस, जब जब अश्वमेघ जग होइस ओकर घोड़ा छोड़े गईस, तब तब इही माटी मा घोड़ा के लगाम ला थामे गईस। जब जब अश्वमेघ जग होइस ओकर घोड़ा छोड़े गईस, तब तब इही माटी मा घोड़ा के लगाम ला थामे गईस। नान है नान मन तुर तुरिया मा, नान है नान मन तुर तुरिया मा, मोरो ध्वज मन ये आरंग मा। नान है नान मन तुर तुरिया मा, मोरो ध्वज मन ये आरंग मा। नवा संदेशा बगरिसिए संग्राम के, हम तो ममायन भगवान राम। एक साथ राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। श्रृंगेरी सी सिहा रामायण, श्रृंगेरी सी सिहावा बैठे लोम से राजीव लोचन, श्रृंगेरी सी सिहावा बैठे लोम से राजीव लोचन। चारों खूंट मा महतारी मन बने है संकट मोचन, सरक बरोबर ये तोर माटी कण कण गावत गे परभाती। इहे पुण्य हे भैया चारों धाम के, हम तो ममायन भगवान। और भाई साहब हम राम के भक्त हैं, एक बार दोनों हाथ उठाएं। एक साथ राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। नाचारी चुगरी लाई लिगरी संग हमर मितानी, जांगर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी। औ जिनकी जीतन हमन जी सभिमान के, हम तो ममायन भगवान राम के, हम तो ममायन भगवान राम के। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई रमेश विश्वार ने खूब मेहनत की और बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। जब मैं गुरु खुशवंत साहेब मोर घर आई तो मैं ओकर से एक सवाल करे हूं, गुरु जी एक बात बताओ, राधा मोर ध्वज मोरे के तोरे,
तो बोली कैसे बात कर सरकार है डॉक्टर, राजा मोर ध्वज मोरे काबर आरंग मोरे, एक सेठी राजा मोर ध्वज मोरे। मैं कह काबर आपके कि सिंधी पंजाबी मारवाड़ी सतनाम समाज मोरे, एक सेठी राजा मोर ध्वज मोरे। और निषाद ब्राह्मण चंद्राकर सोनवानी गोड़ देवांगन मुस्लिम मोची केवट समाज मोरे, एकर सेठी मोर ध्वज मोरे। पूरा समाज उनकर साथ जुड़े हुए, रावत आहिर लोधी सेन सोनकर तंबोली सर्व आदिवासी पारधी देवार गोस्वामी विश्वकर्मा ढीमर समाज गुजराती महाराष्ट्रियन जैन साहू कुर्मी मानिकपुरी गो सेवक समाज घलो मोर मोरे, एकर सेठी डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी मोर ध्वज गुरु जी के मोर ध्वज घलो। वो तो पूरा हिंदुस्तान के है, लेकिन वो उकर उत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी आदरणीय गुरु जी के पास है। और एक कविता मैं आप मल्ला बहुत भक्त भक्ति करवाई सब, जय श्री राम जय श्री राम। अब तो जैन लदिक बेतेनो जय श्री राम जय श्री राम, सबले ज्यादा जय श्री राम तो कांग्रेसी मन बोलत है। काकर उनकर पूछी मागी लगे का हो ही भगवान, 400 पार कर दी का मोदी है, नींद नहीं परत है कांग्रेसी मन के। बताए ना चार कांग्रेसी गुरुजी, आप चार पंक्ति देते हो, चार कांग्रेसी एक साथ एक दिशा में नहीं चल सके, चार कांग्रेसी एक साथ एक दिशा में नहीं चल सके, चार कांग्रेसी एक दिशा में एक साथ वही समय चलते जब पांचवा होकर कंधा में लेटे हो। ये कष्ट है, का कर बे मोर बिहाव नहीं होत रही थी तो मोर दादा की ही तोला ना बेटा मार्केटिंग करे बर नहीं आए। मैं कहकर का मतलब है, हाई फाई बताना पड़ते, आज के जमाना वो इसने कम रहे ज्यादा बता, एक एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ बता, मोटरसाइकिल है तो कार बता, बढ़ाक बता, बढ़ाक बतावे तब बिहाव लगी। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़त रहा बेमेतरा कॉलेज में, रमन सिंह सेकेंड ईयर में रही से, मोर से एक साल सीनियर है, वह गए तो मोर हो या ससुर जिन नहीं हुई, हाँ वो कहते बीएससी पढ़े हसकान, बढ़ाक बताना। मैं कह एमएससी, सरकारी नौकरी करता कि प्राइवेट, मैं कह सरकारी, बढ़ाक बताना है वो कि 10,000 तनखा है, मैं कह नहीं 30,000 काबर बढ़ाक बताना है, इतना में आगे खांसी, बोले खांसी है नहीं टीबी, कहाल बिहार लगी बताओ। अब वो टूरी ते खेल गया, वो ससुर नहीं हुई गुरुजी, वो ससुर बनीस नहीं मोर, तो इसे टूरी बैठे रहा इसे मैं बैठे रहा, तुम लोग आपस में बात करो इसे की के वो चल दी ससुर है जिन नहीं हुई। अब वो 10 मिनट तक चुप, न टूरी बोला है न मैं बोला, दोनों जन एकदम चुप। तो हम ही हिम्मत करें और कहे बहन जी आप लोग कितने भाई बहन है कि चार रही से रे अब ते आज अभी पांच हो जी बिहार दिया ये जाए तेन बिहार बात में। तो मैं मद्रास में, मद्रास मतलब वो करनाव आजकल हो गए हैं चेन्नई, और चेन्नई में काए लुंगी पहनते और लुंगी में चैन नहीं रहा है, एक सती को नाव पर गए हैं चेन्नई। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूं, देखत रहे हो पन्ना, पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना, वो मुझे लोकल कवि समझत रही से कलर के आधार में। मैं कह साले दिमाग के खड़िया, मुझे मद्रासी समझता नहीं जानस, मैं हो छत्तीसगढ़िया, मैं भगवान ले करे पर याद, भगवान तहु कर दे भाई भतीजा बाद, ये मल्ला गोरिया कर दे मोला कर दे कथा, भगवान होके दे दे गच्चा, भगवान की हिस्सा का करो का करो है। उत्तर भारत से आदमी बनाए बर शुरू करे, बनावट बनावट दक्षिण पहुंचे हो सबो रंग सिरा का, बैकग्राउंड कलर बचेरी सुहिल मार दे, ताली नहीं बजाऊ तब तक मारते रहो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर बचे सुहिल मार दे। अब जब का सगा आवे मोर दाई है कहे बिहाल कर दो सगा, तहा रंग है फरिया जही, तो सगे मन कहे दुबईन तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर छत तक कपड़ा धो डार करिया करिया, मैं दादी तक भरोसा में रहूं बरन हो जाऊं।
मैं खुदे अपन प्यार के गरीब है क्यों अब एक ठन कम दिमाग के भूखवी टूरील छे क्यों। ताली बजाना है सांस लेना है मुला कम दिमाग के भोकवी टूरील छे के उहू मोर प्यार में बोहागे और गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के खागे। अब बिहाव के मुहूर्त निकली वारे मुहूर्त अमावस के रात करिया घोड़ी में दूल्हा बन के जात रहो टिक 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 अभी दूल्हा चला थे ताली बजाऊ तब आगे बढ़ी टिक 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 करिया घोड़ी में दूल्हा बन के जात रहो बिजली भूता के वत के बेरा सब जन कहते दूल्हा गांव आ गए दूल्हा गांव आ गए। एक जन डोकरी कहते ओ जे पड़री को ठालत है तेकरे खाले में दूल्हा जैसे लागत। मैं गुसिया डॉक्टर में रन गयो कैसे करके मोला गोरिया करके देखा डॉक्टर एक ठन साबुन दिस जा 6 महीने रगर के ना मैं साल भर ना है मैनी गोरिया है साबुन करिया गया। अब बिहार के बाद सड़क में निकले तो टूर्नामेंट कमेंट करे देखो रे कौवा चोंच में मैदा की रोटी गुलाब जामुन संग सफेद रसगुल्ला ऐसे की किचिड़ावे टूर्नामेंट। अब बिहार के बाद मैं ससुराल गया हमारे यहाँ एक ठन सिस्टम है हमारे छत्तीसगढ़ में सगा सोदर में जाते ना तो केरा धर के जाते तो यह मन घलो झरत नहीं हमारे सियान मन अभी के मन घलो केरा धर के जाते काबर जानथस केरा दर्जन में मिलते आजो मिलते 12 ठन उस समय लड़का बहुत रहे 8-10-12 ऐसे होवे अब तो साले कोड़िया हो गए एक दुए ठन होते बस तो का केरा वो समय एक दर्जन केरा धर के जे तै ले रे तै ले रे तै ले रे के बांटे में आसानी रहे केरा सेवल कौन काटे केरा बांटे। मैं केरा धर के अपन ससुराल गयो आवत बेरा मोर सास आ मोला 20 रुपया टिकट रहे तिलक लगा के देत रहे हाथ में तो मैं साले अतेक बड़ सेक्रेटरी अतेक बड़ अंतरराष्ट्रीय कवि 20 रुपया देते तो मुला लाज लगत रही थी तो मोर सारी कहा था धर लो जीजा जी एक दर्जन केरा तो लाने रहे हो। मैं अपन बाई ले बर ससुराल गयो तो मोर सास कहा थे बने आगे बाबू 2-4 दिन रुको भैंसी हपाओ दू पाओ दूध दी ओकर साले टेक्नोलॉजी मोर समझ में नहीं आई मोर रह ले भैंसी कैसे दूध दी वो कर पड़वा गांव आ गए बाबू तोला देखी तो पाव दूध तो दी। मैं अपन भाई लेबर ससुराल गया खा पी बने सूते रहे बिजली भुता गए वत के मेरा भैंसी पड़वा गांव आ गए मोर सास है मोला खोजत खोजत आईस मोला धरीस और चिचियाईस पड़वा मिल गए पड़वा मिल गए। मैं कहूं मैं पड़वा नो हूं मैं तो और दमान न हूं कि हाय भगवान दमान लाए मेरन पाए हो तो मेरन खटियम काला सुता हो। ताली बजाओ सांस लेता है हाय भगवान दमान लाए मेरन पाए तो मेरन खटियम काला सुता है। मैं के मोरो तकदीर के फेर हो गए अरे मनखे के मनखे संग सुने रहे हो मोर साले जानवर संग डबल रोल हो गए। तुमन हासा था जी का जान हुई ये कविता ला कैसे बनाए हैं अरे कई रात रोए हो तब आपला हंसाए कई रात रोए हो तब आपला हंसाए हो काबर मिही कालिदास हो मिही चाणक्य हो मिही नेल्सन मंडेला हो मिही मार्टिन लूथर किंग हो मिही छत्तीसगढ़िया हो ये सबो जन करिया है फिर आदमी बहुत बढ़िया है फिर आदमी बहुत बढ़िया है। सियान आदमी ला कभी टच मत कर दे हाँ भगवान कसम एक्सपायरी डेट के दवाई है सांस रिएक्शन करते हो कैसे बाबा बने बने हाँ दूसरे दिन फिर मिल गए कैसे बाबा बने बने तो दाई बने हैं कभी सियान आदमी मत सियान आदमी बहुत एक्सपायरी डेट की तो साइंस रिएक्शन करते हो। अच्छा सबो सियान ये सोचते कि मोर लड़का मोर बात ला सुने हालांकि ओकर बात बहुत फालतू रही थी पर सोचते सुने जात हस का बेटा ड्यूटी में रायपुर हो एक ठन बात सुनते रहे अरे मोर पास टाइम नहीं भाई देरी हो देख बेटा हमर जमाना में ना जय स्तंभ चौक में रायपुर में 1 आना फुट जमीन रही से तो लेते नहीं 2-400 एकड़ फालतू बात कर सर हमर जमाना में बेटा हमन ना 10 रुपया धर के जान गोल बाजार रायपुर में 4 बोरा सामान लानन लानत रे होबे
वो जमाने में दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं रही से, पांच बोरा लान सकत रहे। सियान आदमी बहुत अच्छा, घर के दुआरी में पहली सियान ला बैठा देते रहे कि कुकुर मत खुश रहे, बाबा बैठवे कुकुर मत खुश रहे। अब जमाना बदल गया, कुकुर ला बैठा देते बाबा मत खुश रहे। सियान के अच्छा सियान के एक उपयोग होते, बिहार हो ही ना बड़े वाले पागा बांध के ओला बरात के आगू खड़े कर देते समधि भेंट पर। यही पहली समधि भेंट कर ही हमार माई मुड़ का सियान है, वो डोकरा कांखट कांखट बिचारा है। और बरात अंदर खुसर जाते, वो डोकरा वही मेरन खड़े है, कोनो जनवासा पहुंचा देते बेटा दो नंबर है रे, बहुत जरूरी है, कोनो जनवासा खोलो डोकरा डर देखे नहीं। लेकिन एक बार समझ जाइए, बुजुर्ग आंगन की तुलसी है, बुजुर्ग सियान आंगन के तुलसी है, सियान तरिया के पीपल है, सियान मिठू है, कोयल है, मैना है, सियान लड़का मन के खिलौना है, सियान मिठू है, कोयल है, मैना है, सियान लड़का मन के खिलौना है, सियान होली है, देवारी है, तिहार है, और सियान नहीं है तो सबो तिहार बेकार है, सियान नहीं है तो सबो तिहार बेकार है। सियान गीता के श्लोक है, सियान मानस के चौपाई है, सियान कुरान के आयत है, सियान वेद के ऋचा है, सियान जिंदगी के आचार संहिता है। उमन भाग्यशाली होते हैं जेकर दाई ददा ये दुनिया में होते हैं। मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूं, मोर दाई ददा ये दुनिया में नहीं है। आज मैं आरंग में एक काम करता हूं, मोर दाई दादा के उम्र के जम्मू सियान मल्ला गुरुजी के उपस्थिति में मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता। सियान के आदर करो बेटा, वो ऐसा रूख है बरगद के, जिन दिन वो सियान मकान के छत, जिन दिन छत उतर जाते ना दीवार में नंगरा हो जाते। सियान बरगद के पेड़े बट के पेड़े, उकर छाए में बैठबे ना कई ठन बात सीख बे। सियान हसी ठट्ठनो है, सियान जिंदगी के एकदम आदमी सच्चा है। एकर सेती कहते हैं कि कौन कहता है पक्के मकान में बड़े लोग रहते हैं, मेरा दावा है कच्चे मकान में भी सच्चे लोग रहते हैं, कच्चे मकान में भी सच्चे लोग रहते हैं। आइए अब मैं अगले कवि को बुलाता हूँ। मोर तो क्या है, मैं तो राइट भर के रात भर के आइटम हूँ, जैसे कि मतलब बोलते ना, मैं बताया वो कार्यक्रम कर, मैं जब दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर रहे DD1 में मोर कार्यक्रम आए टीवी में, जब ये चैनल एक उठन नहीं आ रही तो सब्जी लेबर का रहा तो रम करिए तेरा तो लत मोर से पूछा है ते हैं टीवी में आथस का, मैं कह कतका ले थस रात भर के। तो हमार मन के सरकारी बंगला मिले रही से गुरु जी, मैं OSD बने ब्रजमोहन के, तो मोर भाई कहते हैं हम कुत्ता पालेंगे कुकुर पालेंगे, साहब मन सब कुकुर पाले रहे तो हम भी कुकुर पालेंगे कहा था। मैं कह साले मैं पाला था तेन कम में बे और कुकुर पाल बे, नहीं डॉग इज स्टेटस सिंबल, हम कुत्ता पालेंगे। इसे कहा मैं बोरा धर के क्यों कत को लावर इस कुत्ता रही से बोरा धर के लाम देखो ना भूखे ना खाएंगे इस साले भुगतीस कहां से। एक करिया कुकुर बीच बीच में डायल टोन दे तो मैं तख्ती लगा दे कुत्तों से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक। थोड़ा देर बाद एक घंटी बजे इसमें के काय तही है, इतना सारे सामाजिक इंसल्ट करते। आरंग तो अभी छोटे जगह है, यहाँ श्राद्ध पक्ष में कौआ मिल जाते, हमारे रायपुर में कौआ नहीं मिला। और कौआ नहीं खाही तब तक पितर हर शांत नहीं हुए, बाबा के खवाना है, दादा के खवाना है, कक्का के खवाना है, कौआ खाही तो मिली कहाँ। रायपुर में जब रहा ESC कॉलोनी में सदर बाजार के सबो मारवाड़ी साले गाड़ी धर के मोर घर आ जाए, काबर मैं इसने कौआ टाइप दिखाऊ तो साले मन मोर पास आ जाए। चलिए हमारे पिताजी का खाइए, हमारे बाबा का खाइए, और साले में ले जाके डाइनिंग टेबल में ना बैठाए, छत में बैठाए, बहुत दिक्कत होती। मैं दुबई में कविता पढ़ता हूँ, दुबई मतलब आप मन जानता हो, बहुत जनगे भी हुई दुबई का, पर दुबई तो बड़ा तीर्थ स्थान है, आप मन के जाते हो भी, थोड़ कन पैसा कमाते आदमी दुबई बैंकॉक। हाँ बोल, हाँ बिल्कुल सवाल ही नहीं, राजा तुम भी आ जाओ लगे हाथ, जब गाड़ी चली रही है तो स्टीयरिंग तो हाथ साफ कर लो, क्या दिक्कत है, जब गाड़ी पागे है आ जा मंच में बैठ जा,
तो मोर ऊपर पीएचडी करे तोला कैसे रोकू। बहुत देर में ताकत आई इस पर। आरंग के आदमी हो या औरत धीरे से चार्ज होते हैं, और चार्ज हो जाए कर बाद रुके नहीं, बिल्कुल टॉप गियर में ही चलते हो। एक बेटी एक बहू और ओकर बारे में का कहू। एक बेटी एक बहू ऐसे गोल रमाइस तो मायके इटी गोल पीछू करीस तो ससुराल ये आगुच करत हुई गोल ल पाछू कबू नहीं करत हुई। और कारी से मैं दुबई में कार्यक्रम करें ऐसे होटल के सामने में खड़े रहा हूँ, ग्रैंड दुबई के होटल के सामने में एक टूरी आई से। अब विदेश में अभी मैं बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, बैठिए ना, बैठिए कुर्सी बैठो, क्रम में आ जाओ आप। हाँ क्रम में आ जाओ, कुर्सी ले आओ, बैठ जाओ आराम से। लोग देखें तो जाने तो सुनीता सोनी कितनी बड़ी कवित्री है, सबको पता भी चलना चाहिए। ये गौरव का विषय है कि आरंग जैसी जगह से किसी बेटी ने किसी बहू ने रविशंकर विश्वविद्यालय से अगर पीएचडी की हो और आज वो मंच पे हो और कविता पढ़ें, ये इसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार अपनी बेटी के लिए अपनी बहू के लिए आप ताली बजाएं। ये आरंग का सम्मान है, ये राजा मूरध्वज की धरती है जहाँ रानी पद्मावती ने आंसू रोक कर कभी आरा चलाया था। आरा चलाना सरल था गुरुजी, लेकिन आंसू रोकना कठिन था। माँ अपने बेटे को काटे और आंसू भी रोक ले, ये बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। एक काटा गड़ता है तो माँ चीख जाती है। बच्चा अगर एक मिनट भूखा रह जाता है तो माँ चिल्लाने लगती है। अगर बच्चे को थोड़ा सा बुखार चढ़ जाता है माँ गर्म पानी की ठंडे पानी की पट्टी चढ़ाने लगती है। उस माँ को ये शर्त रखी जाती है, हॉरिजॉन्टल काटना है, खड़ा काटना है और आंसू नहीं निकलना चाहिए आंख से। इतनी बड़ी परीक्षा तो भगवान को भी देना मुश्किल है जो आरंग की धरती में रानी पद्मावती ने दी। प्रणाम करता हूँ माता आपको, प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब हो सकता हूँ, माँ नहीं हो सकता। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। वो माँ जो बच्चे के लिए कलपती है, जो बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, जो उसका एकलौता बच्चा है जिसको देखकर वो जिंदगी जीती है, उसको अगर कोई संत कह देते हैं कि इस बच्चे को हॉरिजॉन्टल काट दो और रोना मत, ये तो सुनने में ही रोना आ जाता है। भाई साहब, रानी पद्मावती ने कैसे अपने आंसू रोके होंगे, इसमें दो मत नहीं है, बहुत कष्ट की पीड़ा है। माँ से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। पत्नी कभू लैका ला, पत्नी कभू अपन पतीला मार के नहीं खवाए, ओकर आगू में कोटना मढ़ा देते, तोर मन करे तो खा, नहीं तो रोगा जा वो डहर जा। सिर्फ माँ है, माँ जो बच्चे को मार के खिलाती है, खावे नहीं रहे एक मुटका, नहीं खास एक झापर, विच मार के खवाते दाई। माँ पत्नी मार के नहीं खिलाती है, माँ मार के खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है। और जब बच्चा पढ़ लिख कर बेकार हो जाता है, रोज रात को चुपके से उसकी जेब तलाशती है। माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं। ये माँ है, ये माँ है। माँ को पाना बहुत कठिन है भाई साहब, और माँ का जीवन भी बहुत कठिन है। 9 महीने तक जिस बच्चे को अपने गर्भ में रखे, जिसके लिए बड़ी बड़ी यातना सहे, जिसके लिए भगवान से बड़ी प्रार्थना करे, जिसको अंतिम संस्कार के लिए अपना विरासत में मानकर चले, उस बेटे को अगर आरी से 2 टुकड़े में हॉरिजॉन्टल काटना है, खड़े काटना है, बहुत पीड़ा है भाई साहब, बहुत पीड़ा है। कथा खुद ही रुला देती है, हकीकत भगवान जाने रानी पद्मावती ने कैसे किया होगा। उनको मैं माता प्रणाम करता हूँ। बेटी बैठी है इस मंच में, मंच में भी एक बेटी है जो आरंग की बेटी है। बेटी जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। वो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन मरते तक होती है बेटी। बेटी का किरदार उसका स्थाई किरदार है। फली फूली टहनिया जड़ों के तरफ मुड़ी रहती है। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती है।
बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सास समुंदर पार अमेरिका में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी होती है। बेटी और माँ से बड़ी कोई सब, पत्नी का तो बाद में आता है, पत्नी तो मैं बता रहा हूं जितने पति हैं, नहीं बैठना था कैसे जाते हो, रेल लाइक तो अब चालू करे मतलब, हाँ बिल्कुल आबे तो हैं, निश्चितली आबे, हाँ निश्चितली मतलब डेफिनेटली आबे तो हैं, धोखा मत दे बे, नहीं पौवा वो धार पौवा चढ़ा चल दे घर, मैं साले यहाँ गावत रहते होती पौवा में कितने गा है ऐसे की करत रहते हैं कि नहीं चले। गुरुजी बैठे अभी, हाँ गुरुजी की उपस्थिति में कोई श्रोता भागेगा नहीं, जो करना है यही करो, हाँ करो यही, क्या दिक्कत है, यही करो, जाओ मत गेट के बाहर। ये स्थिति है, समय तेजी से बदल रहा है, इसलिए देश को संस्कार देना बहुत जरूरी है, बच्चों का संस्कार। सबके लड़का कॉन्वेंट में पढ़ाते, अंग्रेजी स्कूल में जेन ला देख बेते ना, अपन लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते, लड़का पैदाइशी कंफ्यूज, काबर एक फादर घर में एक फादर स्कूल में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है ओरिजिनल फादर को, ककरो घर जाबे जाके बैठबे, आंटी एक कप चाय रखी, पिंकू बेटा, फिर एक नंगरा टूरा टाई बांध क्या था, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू होगी, डिंग डांग वेल पुसी इन द वेल, हु पुटर लिटिल टॉमी दिन, हु पुटर आउट लिटिल टॉमी स्टाउट, जानी जानी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को, मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है, अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और छत्तीसगढ़ी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। संस्कार को जिंदा रखिए। अगर आपके विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी हैं तो सबसे बड़ा कर्तव्य है सामाजिक संस्कार आपका बनना चाहिए, बुजुर्गों के प्रति, बेटों के प्रति। पत्नी वर तो मैं नहीं कहा कि पत्नी बर्तन का कर, अब तो ये तो नहीं कह सकूं कि तुम बर्तन मांजो, पोछा लगाओ, खपड़ा धो, ऐसे कोरोना में करें सबो जन, कोरोना में बहुत जनमर बर्तन मांजे है, रमेश विश्वहार तो सबो बूता करते है, ऊपर से मोला फोन करे का कलयुग आ गए भैया, मैं के का हो गए, अपने वाइफ है साले 3 महीने से देखा था तो काकर बाइन देख डर में बेपर में नहीं देख पे, कोरोना में बहुत चली से सच, वो सत्यवान के प्राण लेके यमराज चली, पीछे पीछे सावित्री आई, अपन सतीत्व के कारण यमराज से अपन पति के प्राण वापस ले आई। अब सीन बदलिस गुरुजी, और सावित्री के प्राण लेके यमराज निकली, पीछे पीछे सत्यवान आई, यमराज बोली कुछ भी कर ले सावित्री को जिंदा नहीं करूंगा, बस यही कहत रहे ले जिंदा मत कर बे। ये पुरुष इतने विचार इनके घटिया हैं। भगवान राम के सेना में बंदर हुई, रीछ हुई, भालू हुई, आदमी एको नहीं रही, काबर वो जानत रही थे कि लंका सोना के है, कर नियत के भरोसा नहीं है। ताली बजाओ। आइए संजय कबीर, बहुत देर तक रखे हैं धीर, माइक में आ जाओ मेरे परम वीर, और खींच दो भारतीय अव्यवस्था की चीर, भाई संजय कबीर। पैसा दे, अरे वाह ये तो बहुत होगी, क्या बात है, वाह 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 बहुत बढ़िया है, इसने देते रहो तो बावन के का है, काम चल जी अटके में, अमर तो का है, दे दे देवा दे, नहीं तो रद्दा दिखा दे, ले पढ़, बढ़िया है, अच्छा पढ़। हेलो, हाँ भाई स्वागत है। दुनिया के बदलते रंग में कल तुम न बदलना, तुम तो एक नारी हो, तुम तो एक जननी हो, सदा यूं ही रहना, केस को कटवा कर अपने तन को यूं दिखाकर, बच्चों को अपना दूध ना पिलाकर, क्या कल तू मां बन पाएगी, बात बहुत छोटी है लेकिन तेरे अंदर नारीत्व मर जाएगी, नारीत्व मर जाएगी। सत्यवान की दूसरा वित्री प्रेयसी में राधा है,
संगीनी में तू सीता है, सहनशील धरती अपनी माता है, रामचरितमानस की प्रेरणा ताजमहल की गाथा है, पाप नाशनी तू दुर्गा है, ममता मई मेरी माता है, हर संस्कृति तुमसे जुड़ी, हर परंपरा तुमसे उपजी, मेरी भी यह आशा है, दुनिया के बदलते रंग में कल तुम न बदलना, तुम तो एक नारी हो, तुम तो एक जननी हो, सदा यूं ही रहना। काम अनूठा कर जाएगी नारी को अवसर तो दो, देश की किस्मत चमकाएगी नारी को अवसर तो दो, ओ बेटियां बचाने वालों अब अवसर मत चूको तुम, स्वर्ग धरा पर ले आएगी नारी को अवसर तो दो, हर रिश्ते में जो मिठास है ऊपर से नमकीन लगेगी, हुस्न अगर देखोगे तो केवल हसीन लगेगी, भाभी चाची बुआ पड़ोसन सिर्फ स्नेह के रूप है सारे, आत्मिता से आकोगे तो हर बहना सालीन लगेगी, वह निश्चित देवी है पर मंदिर में उसको बंद न करो, उसका भी अस्तित्व अलग है कहीं कहीं स्वच्छंद करो, घर को स्वर्ग बना देगी उसके हाथों में जादू है, उसको उसका हक सौंपो जीवन भर का काबू है, काम अनूठा कर जाएगी नारी को नारी रहने दो, नारा उसे बनाओ मत, पहले से जो चांद है उसे सितारा बनाओ मत, बस नुमा ऐसी चीज बनाकर करो ना उसका अवमूल्यन, वह भंडार गुणों का है भंडारा उसे बनाओ मत, नारी के हाथों में जब जब शासन आता है रहतिया है बेटियां सुरक्षित, रावण भी धर रहता है, लक्ष्मी बाई दुर्गावती अवंती बाई याद करो, साक्षात यमराज भी नतमस्तक हो जाता है, काम अनूठा कर जाएगी नारी को अवसर तो दो, देश की किस्मत चमकाएगी नारी को अवसर तो दो, ये हमर महतारी वंदन योजना बर हरे जोन हमन मल्ला भारी बहुमत के साथ जीतेन, और हमन मल्ला गाड़ा गाड़ा तुम्हन मन ओट देव, एकर कारण एक बार माता मन जोरदार आप मन ताली बजाओ, और ये आप मन बर रही थे, आप थोड़ा राष्ट्रवाद के एक दूठो कविता बोल के मैं बस अपन जगह ला ग्रहण करूं। गद्दारों को किसी मुल्क में जीने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रवाद के जो खिलाफ है वो हमको स्वीकार नहीं है, सदियों तक बर्दाश्त किया है हमने नामाकुलों को, खुशबू की चाहत में पाला आग उगलते फूलों को, एलातों के भूत हरगिज बाज नहीं आते, पड़ोसियों के गुण गाते जब अन्य यहाँ खाते, धरती के है बोझ जिन्हें अपने मिट्टी से प्यार नहीं है, गद्दारों को किसी मुल्क में जीने का अधिकार नहीं है, मुसलमान कैसा हो अब्दुल कलाम है उदाहरण, अशफाक और हमीद के पूजे गए चरण, हिंदू कैसा हो आजाद भगत सिंह या सुभाष की तरह निडर, जिससे गुलामी स्वयं का पे स्वतंत्रता की हो अग्नि प्रखर, कह देना शरणार्थियों से भारत खिदमतदार नहीं है, गद्दारों को किसी मुल्क में जीने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रवाद के जो खिलाफ है वो हमको स्वीकार नहीं है, वो हमको स्वीकार नहीं है, इनकी आदत में सुमार है हर बार दगा देंगे, इनको जहां जगह मिली उस घर को आग लगा देंगे, हमने भी अब ठान लिया है सारा मुल्क जगा देंगे, खून में जिसकी गद्दारी है उनको तुरंत भगा देंगे, सही सुरता का राग अलापे हम वो ठेकेदार नहीं है, गद्दारों को किसी मुल्क में जीने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रवाद के जो खिलाफ है वो हमको स्वीकार नहीं है, वो हमको स्वीकार नहीं है, वो हमको स्वीकार नहीं है, एक बार जोरदार ताली बजाए, और आखिरी कविता के साथ मैं अपना जगह ग्रहण करूंगा, आपको दोनों हाथ को उठाना है, आदरणीय हमारे सभी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, आदरणीय गुरुदेव को, आप सभी लोगों को,
लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम। हाथ उठाइए जोर से, अभी आपको सुनना है सुरन दुबे जी को। लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, एक नई सौ बार बोलिए वंदे मातरम, मां का हो सत्कार बोलिए वंदे मातरम, भरते हुए हुंकार बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब मां को सहज सलाम, जिसने दूध पिलाया पाला पोता है अविराम, जिसकी निगरानी में ही सीखी हमने तहजीब, मिली मातृभाषा वह जीवन जीने की तरकीब। अब तो सहपरिवार बोलिए वंदे मातरम, एक नई सौ बार बोलिए वंदे मातरम, लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, माँ का हो सत्कार बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो ना बोले और कहीं वो जाए, मुंह को काला करे यहाँ पर अन्न नहीं खाए, राष्ट्र विरोधी बातों को अब और ना सहेंगे, चाहे जिस धर्म में हो हम उसको गद्दार कहेंगे। नहीं हो तुम, नहीं हो तुम, नहीं हो तुम गद्दार, बोलिए वंदे मातरम, एक नई सौ बार बोलिए वंदे मातरम, लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, माँ का हो सत्कार बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई संजय कबीर ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। बहुत कम समय हम आपके बीच हैं, जब तक आपके यहाँ कोई भी जीव जंतु है तब तक कवि सम्मेलन चलेगा। हाँ, आखिरी तक चलेगा, चिंता ना करें। गुरुजी जब वहां से आदेश देंगे कि खत्म, अब कल पता ये नहीं चलेगा कि कोई कविता के मारे मरा कि ठंडी के मारे मरा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कविता के कारण ना हो। मैं गुरुजी राजस्थान गया जयपुर, तो एयरपोर्ट में एक आदमी लेने आया था, वो बोला वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए तो कोई आवेदन फंसाए थे क्या कि पैदा करो? बोले आप जानते नहीं है, राजस्थान की औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचा के आती है। मैं बोला बेटा आरंगादा जिंदा को रख के आ जाती है। तो अपना स्वाभिमान अपने पास है। राजस्थान का एक कवि था सुरेंद्र दुबे, ओकर वो मर गए, ओकर बाद विकिपीडिया सोशल ऑथेंटिक मीडिया वो समाचार जारी करी सुरेंद्र दुबे का निधन बेमेतरा में, अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब मैं सो कुठत मोर दुआरी में सौ दू सौ गमछा टावेल धरे रोवत रहे, भैया निपट गए, बहुत हसातरी से भैया निपट गए। मैं साल ओढ़े रहा, भैया निपट चुप्पा कैसे भैया निपट गए करा था? अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी। एक जन मोर बाइल फोन करी, सुने दुबे जी निपट गए, मोर बाई की ऐसा हमार भाग्य कहाँ है बाबू, रात के आए हैं, जिमी कांदा खाए हैं, मुनगा ओकर पसंदीदा है, तो टेंशन में तो मैं हो के रोगा, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन खड़े रहते हैं, कैसे खड़े है बाबू? लकड़ी टाल वाले हो, दो क्विंटल लकड़ी मर घट्टी में रख के आए हो तोर जरे पर, साढ़े सोलह सौ के, और मरघट्टी की लकड़ी वापस नहीं आ सके तो नजरे पर पड़ी, सारे तोड़ साले सोलह सौ बर में मर जाओ। अभी ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन खड़े रहे पॉलीथीन धरे रहे, मैं कहते किस खड़े बाबू? और का धरे पॉलीथीन में? ये मलोटा है, घी है, लोभान है, तो कपाल क्रिया के पूरा सामान है, तय मरबे ओकर बाद कपाल क्रिया पर समान है, साढ़े छह सौ के, नॉन रिफंडेबल, तो मैं साढ़े साढ़े छह सौ पर मर जाऊं? ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं,
क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं, कभी मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं। ये मात्र शक्ति बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये राखी के रक्षा सूत्र, भाई दूज के टीकाए, तीजा के कहनी है, अरे वो भाई का मरी जे करते कन बहनी है, वो भाई का मरी जे करते कन बहनी है। ये हास्य का कोकड़ा है, ढाका का परिंदा है, और जब तक गुरु खुशवंत सिंह का आशीर्वाद सिर पर है, ये टाइगर अभी दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी आप गुरु जी, भाई गुरु से बड़ा कोई नहीं है। ये द्रोणाचार्य, ये वशिष्ठ, ये संदीपनी, ये ही दुर्वासा हैं। गुरु गुरु नहीं होता, भारत की परिभाषा है, ये भारत की परिभाषा है। आप उनको, उनका आशीर्वाद मिले, उनका प्रेम मिले, उनका स्नेह मिले, तो आप निश्चित तौर पे आगे जाएंगी। और आपके पति देव भी आए हैं क्या? आए हैं, मेरा अभिवादन उनके तक पहुंचा दे। बहुत अच्छी पत्नी पाए हैं आप। हाँ, इस जन्म में तो बस यही रहे, अगले जन्म का नहीं बता सकता, लेकिन नहीं तो मैं बोल दूंगा 7 जन्म तक यही रहेगी तो नाराज हो जाएंगे। मैं क्यों 7 जन्म तक इसी को ढूंढूं? मेरा कोई चेंज नहीं होगा, मेरा मूड नहीं बदलेगा। आपको 7 जन्म तक यही पत्नी मिले। बहुत मेहनती है, इसने PhD में खूब मेहनत की है। उस समय किसी स्कूल में टीचर थी जब ये PhD कर रही थी, और तो उमा का दिक्कत है, लव मेरी जो अरेंज मेरी में अंतर का है, जानता अरेंज मैरिज का है, जिनमें दाई दादा करते आदमी जात है, सांप आईस काट दी, दैट इज अरेंज मैरिज, सांप काट दी। और लव मैरिज का है तो खुदे गोल लागू कर दे, आ सांप काट, आ सांप काट, आ तो लव मैरिज उमा का धरे है। लव मैरिज जो अरेंज मैरिज जो फाइनली करना तो वही उमा का दिक्कत है। बड़े बड़े मन के हुए राजा महाराजा मन के, अब राहुल गांधी के ना लव हुआ थे ना अरेंज हुआ थे, तो मैं साले ठेकले होकर बिहाव के, मैं कोनो ज्योतिष हूं? बहुमत खोजत है, बहु मिलत नहीं साले, बहुमत खोजत है। मैं बताता हूं, हरियाणा में ना फसल खराब हो गए तो वो आजा बांटे बरकिन दोनों दाई बेटा, तो वो भाषण देते रही थे किसानों के, भैया भैया बहुत बोलते, भैया किसानों के जो चने के पेड़ गिर गए हैं, तो किसान की साले जखेचे काए हैं, साले चना के पेड़ नहीं हुए, पौधा होते तो सब जन पैसा सके ली, 100-100 रुपया उला धर के सोनिया गांधी मेरन की, मैडम काए ये पैसा धर, का हमला मुंह आजा देबे, फसल तो तोरो खराब हो है, हम तो दोबारा वोट आर बोते तो बोगलू नहीं सकत, आइटम है पूरा आइटम है एकदम स्पेशल है। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और रोई, ऐसे कहा तो साले 42 साल के लेकर फालतू रही तो दाई रोई नहीं तो उखा करी, अलगरा टाइप के बोलते हो। कर बाद में कई बार ताजुब करता हूं, भारत जोड़ो यात्रा, साले भारत टूटे नहीं तो जोड़े कौन डाल रहे, तेन मोर समझ में नहीं आया। बहुत विशेष है वैसा तीस ना, ओकर ताबीज गलम बांधे तो आदमी जादू टोना नहीं लगे। हाँ, अरे बड़े जखा साले कहीं लगता बीच पहन बे ककरो नजर लगी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप लोग सुने। क्रम में नाम लिख के दिया है, उसी क्रम में मैं बुलाता हूँ। श्री विनोद कुमार गुप्ता जी, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, योगाचार्य। योगाचार्य मतलब वो मोदी जी की था, वो बाबा रामदेव है ना, पतंजलि के बिस्कुट खा ली, बोला लानी बिस्कुट दी पतंजलि के, मैं कुकुर लेते थे, कुकुर खाई तहां ऐसे पलटे वैसे पलटे वैसे पलटे, मैं के कहा हो गया, अरे बिस्कुट लगा पतंजलि के अनुलोम विलोम कर थे। अरे योग अपन आप में बहुत कष्ट के काम है, काय पूरा। एक जन कहा थे मैं 8 बजे सो के उठता हूँ, ये ठीक है क्या? मैं के साले 8 बजे सो के उठबे तो ऑक्सीजन कहां से मिली, तो किस कैसे? मैं कह साले सुबह 5 बजे बाबा रामदेव के सबो चेला मन फू करके पूरा ऑक्सीजन पी जाते, तो और मॉर्निंग वॉक करे पर दुए झन जाते, एक कुकुर घुमाना है तो जाते, और किसे कुकुर घुमाएल जाते, साले कुकुर घुमाएल नहीं जाता, कुकुर तोला घुमाते।
और दूसरा फूल चोराते तेन जाते बस दुए काम मॉर्निंग वॉक दुए जन करते एक कुकुर चोराते और एक फूल चोराते। लेकिन जैन योगाचार्य गुरु जी ले मैं बुलाना चाहता विनोद कुमार गुप्ता जी सेवानिवृत्त प्रधान पाठक के गुरु है तो हम हैं। अगर छन्नूलाल शर्मा गुरु जी मुझको बेमेतरा में माइक में खड़ा होना नहीं सिखाते तो मैं शेख रसीद ऑडिटोरियम दुबई में कविता नहीं पढ़ता। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे गुरु सामने हो या गुरु मंच में हो, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। वो तमीज सिखाते हैं, तहजीब सिखाते हैं, कविता पढ़ना लिखना सिखाते हैं। और एक आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं है, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कह कहे और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है, हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर हंसो, लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर। हंसना हंसना नहीं यार, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ भी होना है। ये है इसका परफॉर्मिंग पोर्शन। आज जो गुरु जी आप हैं, उन्होंने कविता पढ़ी बहुत बढ़िया, आगे के कवि को बुलाता हूँ, हरमन कुमार बघेल जी व्याख्याता हैं। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? है? संस्कृत। अरे बाबर, तो बड़ा कठिन विषय है। ओ, संस्कृत से बड़ा कोनो कठिन, सबसे महाकठिन है वो, बता दो। मैं बहुत ही कठिन है गुरु जी, बहुत कठिन काम करत हो, आप लोग स्वागत है बहुत बहुत। संस्कृत जो देव भाषा है, भगवान के तमाम मंत्र संस्कृत में है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सोम सोमाय नमः, ओम अमंगारकाय नमः, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रौम स शनिश्चराय नमः, ओम राम राहुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। कवि सम्मेलन के बाद सत्यान कथा गलो करते हैं। कब तक केवल कलम संभाले बैठूं मैं, कब तक केवल कलम संभाले बैठूं, इस युग का नमक अदा करना है। मैं तो हरमन सही तरल सरल बहता हूं, इसीलिए आप जैसे लोगों की शेष कथा कहता हूं, इसीलिए आप जैसे लोगों की शेष कथा कहता हूं। अच्छी लगी हो तो बजाइए, सांस लेना है, हमारे आदरणीय श्री बोलते हैं। हाँ जी। मैं कब तक केवल कलम संभाले बैठूं, इस युग का नमक अदा करना है। मैं तो हरमन सही तरल सरल बहता हूं, इसीलिए आप जैसे लोगों की शेष कथा कहता हूं। मुझे मौत भी भय दिखा नहीं सकती, मुझे मौत भी भय दिखा नहीं सकती। मैं मौरत धज की नगरी आरग में रहता हूं, मैं मौरत धज की नगरी आरग में रहता हूं। मैं तालीम से तकदीर लिखता हूं, मैं तालीम से तकदीर लिखता हूं, इसीलिए आप जैसे लोगों की शेष कथा कहता हूं, इसीलिए आप जैसे लोगों की शेष कथा कहता हूं। यदि पंक्ति अच्छी लगी हो तो ताली से हस्ताक्षर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्थानीय कवियों की जो है, जिस प्रकार से अभी जो है कुछ लोग जो है हमारे स्थानीय कवि प्रथम कड़ी के रूप में जो है आए हुए थे, निश्चित ही कई लोगों को जो है गवारा नहीं रहा होगा। इस बीच में एक छोटी सी पंक्ति बोलता हूं मैं। हमारे बीच के आदमी हमीला लूटा थे, हमारे बीच के आदमी हमीला लूटा थे, जो टिकली फटाका कर सीढ़ी से तिमन बम कस फूटा था। अच्छा लगी तो ताली बजा भाई, तोरे नगर के मुंह का एक छोटे से उभरते हुए कभी। वैसे अभी सुशासन दिवस में जो है मोला एक छोटे से उपाधि दी ने नगर पालिका की नगर कवि के रूप में मानेगी से। तो आगे आगे बोलूंगा मैं कि मुझे मौत भी भय दिखा नहीं सकती। मैं मौरत धज की नगरी आरंग में रहता हूं, मैं तालीम से तकदीर लिखता हूं, इसीलिए आप जैसे लोगों की शेष कथा कहता हूं, इसीलिए आप जैसे लोगों की शेष कथा कहता हूं। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सब मोरे भैया, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सब मोरे भैया,
छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी फरा मुठिया, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सब मोरे भैया, छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी फरा मुठिया। बोली भाखा गुरुतुर लागथे, बोली भाखा गुरुतुर लागथे, छत्तीसगढ़ के दीदी भैया सिधवा मूल लागथे, छत्तीसगढ़ के दीदी भैया सिधवा मूल लागथे, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सब मोरे भैया, छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी फरा मुठिया। पहाड़ी मैना राज की चिरैये, पहाड़ी मैना राज की चिरैये, राज की पशु हमर भैया बनय भैंसा, राज की पशु हमर भैया बनय भैंसा, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सब मोरे भैया, छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी फरा मुठिया। बिचरन करथे जम जीव जंतु, बिचरन करथे जम जीव जंतु, बिचरन करथे जम जीव जंतु, इही लायक कहते भैया छत्तीसगढ़ के भुइया, इही लायक कहते भैया छत्तीसगढ़ के भुइया, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सब मोरे भैया, छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी फरा मुठिया। अरे पापैरी शिवनाथ सोंडुर महानदी, अरे पापैरी शिवनाथ सोंडुर महानदी, सिद्ध छत्तीसगढ़ के भुइया इही मोर मैया, सिद्ध छत्तीसगढ़ के भुइया इही मोर भैया। ओडिया बंगाली महाराष्ट्रियन मद्रासी, ओडिया बंगाली महाराष्ट्रियन मद्रासी, मिलके रहितन सबो भैया मितन कस भैया, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सबो मोरे भैया, छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी फरा मुठिया। रायपुर राजधानी बिलासपुर न्यायधानी, रायपुरी राजधानी बिलासपुर न्यायधानी, लोहा बिजली धान के धनी हरे मोर भैया, लोहा बिजली धान के धनी हरे हमर भैया, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सब मोरे भैया, छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी फरा मुठिया। रचना करे गीतला हरमन हमर भैया, रचना करे गीतला हरमन हमर भैया, छत्तीसगढ़ के इतिहास जानो जमा मोर भैया, छत्तीसगढ़ के इतिहास जानो जमा मोर भैया, छत्तीसगढ़ के इतिहास जानो जमा मोर भैया। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अभिवादन। आप अपना स्थान ग्रहण करें और एक साथ डबल स्कीम निकाले आप, छत्तीसगढ़ के सबो मोर भैया, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ के जितना लेडीज तोर भौजी हो गए तो चांदी हो गए साले, एक साथ डबल स्कीम चला लेते हैं। हाँ गुरुजी बहुत होशियार हो, संस्कृत पढ़ाता जान डरे में बहुत होशियार हो, मारो कहीं लगे वहीं, मतलब आरंग के मन इतना होशियार है कि नहाते शैम्पू में और जाते टेम्पो में। एक गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे भूगोल, कह रहे थे गंगा आरंग से निकलकर रायपुर में गिर गई,
हमने कहा गुरुजी गलत पढ़ाते हैं, गंगा को आरंग से निकालते हैं, रायपुर में गिराते हैं। तो गुरुजी बोले शिक्षा कर्मी हूं, 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, गंगा आरंग से निकलती है, रायपुर में गिरती है, 50,000 रुपये तनख्वाह दो, गंगा हिमालय से निकलेगी, बंगाल के खाड़ी में गिरेगी, नहीं तो गंगा रायपुर जिले के बाहर नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। ये इसने पढ़ाते गुरुजी है। एक तोतरा गुरुजी पढ़ाता रहा है, बोलो रे चलम के चा, तोतरा रहा है कलम के कहना बोल सके है, चलम चे चा, लड़का मन कहा है चलम चे चा, अबे साले हम चाहे चुचू बोले, तुम बोलो चलम चे चा, लड़का मन फिर चलम के चा। गुरुजी मन आज सपड़ा है बहुत बहुत अकन, अब कैसे कर बे, अब निपटारा करे चल लगी, समझे ना। गुरुजी के पढ़ाए बच्चे, गुरुजी के पढ़ाए बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, कमिश्नर बन जाते हैं, मंत्री बनकर झंडा फहराते हैं, और ये दुर्भाग्य है कि गुरुजी अभी तक कक्षा चौथी पढ़ाते हैं। ये शिक्षक की जो यातना है, शिक्षक एक मोमबत्ती है जो जीवन भर जलता है रोशनी देने के लिए, और शिक्षक लोगों अंडरस्टिमेट करते हैं, बोला उतने महत्व नहीं दें, लेकिन ये जबकि रामचरितमानस में है गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, दशरथ राजा हर कोनो कंगाल नहीं रही से, पैसा वाले रही से, वो ट्यूशन रख सकत रही से, और आके गुरुजी घर में पढ़ा देती से, लेकिन भगवान गलो पढ़े बर गुरुकुल किस, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। ये है गुरु की महिमा, वो गुरु कोई भी हो, चाहे गुरु हमारे साहेब हो या गुरु मंच के हों, ये अलग बात है कि हम कुछ बोल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गुरु को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये है तो आप हो, नहीं तो आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं। आइए अगले कवि को बुलाते हैं, जी आर टंडन जी, आप ही आखिरी हो शायद, चौथा नंबर आप ही का है ना, और कोई बच्चा है क्या है, कहाँ है नाम, तो ऐसे किनारे में आई लव यू टाइप क्यों लिख दिया, बात उल्टा में लिख दिया है जैसे दिख ही नहीं रहा साला। अच्छा का होते सामान्यता ट्रेन के टॉयलेट में टूरमल लिखते रीना आई लव यू, तो साले रीना जेंट्स टॉयलेट में जाही भी तो पढ़े बर का लिखा है तेन वही लिखी वो, तो इसने गुरुजी कोंटम लिख दे है आई लव यू टाइप, चेतन चौहान मत चुको चौहान, अब आखिरी तही निपटा देवे उका है खत्म है। आइए गुरु जी स्वागत है आपका, आज तो फसाया चेला मन, मैं महानदी के रेत और मैं महानदी के रेत लईका बर मैं निचट लईका छिटका कुरिया के मैं फरका अंधियारी के मूल ज्योत कथे नगरी सिहावक सोत कथे छत्तीसगढ़ के मैं बानी और उधरी गंगरेल के पानियों धनहा के पियरे बालियों भूखा प्यासा के पेटियों मैं महानदी के रेतियों रे मैं महानदी के रेतियों हरियर हरियर जंगल झाड़ी भाटा टिकरा खेतियों मैं महानदी के रेतियों रे मैं महानदी के रेतियों गांव घर घर अलग जगावत हूँ नागर संकलम चलावत हूँ मैं ज्ञान ज्योत के बातियों डुकरा बाबा के नातियों बिरहिन के मैं हाँ सुरतयों बिरहिन के मैं हाँ सुरतयों बैरी बर लाठी बेतयों मैं महानदी के रेतयों मैं महानदी के रेतयों पूजा पालथी बार के बैठा बढ़िया हम मुनगल चुचरना है अब तो चम्मच में खाऊं की बात कैसे बनी आज तक दुनिया में कोनो चम्मच में खाए मुनगल मुनगल चुचरे जे थे गुरु जी तो रेत नहीं हो रेती होते गुरु जी इला रेती कर दो नहीं तो मुनगा चुचरे बरोबर नहीं चम्मच में खाए बरोबर लगत है बहुत बढ़िया पढ़े आप अब एक बज गए है आखिरी आइटम चेतन चौहान आ जाता हूँ हाथ साफ कर ले ये आरंग की भूमि है ये दान की खान है मोरज ध्वज हुए राजा ये उसकी पहचान है कि मोरज ध्वज हुए राजा ये उसकी पहचान है
कि दान है वो जरिया जिससे छूले आसमां, कि दान है वो जरिया जिससे छूले आसमां। ये कहते हैं गुनी जन भी ये कहता चौहान है, ये कहते हैं गुनी जन भी ये कहता चौहान है। अरे हमन तो अपन दुश्मन ला घलो आगू बढ़ कथन, अरे हमन तो अपन दुश्मन ला घलो आगू बढ़ कथन, और मया के ही भुइया ला हमन आरंग कथन, मया के ही भुइया ला हमन आरंग कथन। और आरंग से पास म लगे माँ कौशल्या के धरती ला मैं वंदन करूं। और किते धन धन हस कौशल्या तोर कोरा में राम आए, तय धन धन हस कौशल्या तोर कोरा में राम आए, दुनिया के पालन हारी ला तय बेटा बना के खिलाए, तय बेटा बना के खिलाए, तय धन धन हस कौशल्या तोर कोरा में राम आए, दुनिया के पालन हारी ला तय बेटा बना के खिलाए, तय बेटा बना के खिलाए। जेन दुनिया के पालन हारी हे विष्णु के अवतारी, तोर कोरम हा जन आए तय बने ओ कर महतारी, तय धन धन हस कौशल्या तोरी कोरा में राम आए, दुनिया के पालन हारी ला तय बेटा बना के खिलाए, तय बेटा बना के खिलाए, तय बेटा बना के खिलाए। लाखों सर काटे गए हिंदुओं के, लाखों सर काटे गए तब बाबरी विध्वंस हुआ, हिंदुओं के लाखों सर काटे गए तब बाबरी विध्वंस हुआ, न जाने क्यों राम के देश में राम के लिए संघर्ष हुआ, राम के लिए संघर्ष हुआ। कार सेवा जो सफल किए, कार सेवा जो सफल किए 1990 और 1952 में कार सेवा योजना जो चलाई गई, कार सेवा जो सफल किए वो त्रेता के प्रतिमान थे, कार सेवा जो सफल किए वो त्रेता के प्रतिमान थे, बाबरी विध्वंस करने वाले वे कलयुग के हनुमान थे, वे कलयुग के हनुमान थे। निहत्थों पर गोली चलाई, निहत्थों पर गोली चलाई, उन राम भक्तों पर गोली चलाई, वो देश का ही एक गद्दार था। निहत्थों राम भक्तों पर जो गोली चलाई, वो निहत्थों राम भक्तों पर गोली चलाई, वो देश का ही एक गद्दार था। कलयुग की रावण वो मुलायम की सरकार था, मुलायम की सरकार था। राम राम कह देने भर से राम लला नहीं आए हैं, राम राम कह देने भर से राम लला नहीं आए हैं, राम राम कह देने भर से राम लला नहीं आए हैं। लाखों नरसंहार हुए, लाखों जीव बलिदान हुए, तब अवधपुरी में जा राम लला विराजमान हुए, राम लला विराजमान हुए। बेहद उमंग और उत्सव के साथ मनाया उस 22 तारीख के उत्सव हर्ष को, बेहद उमंग उत्सव के साथ मनाया 22 के उस हर्ष को, पर स्मरण रखना उस 500 वर्ष के संघर्ष को, 500 वर्ष के संघर्ष को। धन्यवाद, बोलो जय जय श्री राम। आरंग आरंग के ऊपर एक छोटी सी कविता दो लाइन की, वनवास काल में आए राम, वनवास काल में आए राम जल शिव को चढ़ाए राम, वनवास काल में आए राम जल शिव को चढ़ाए राम, राजा मोरद ध्वज की नगरी या पावन पवित्र आरंग धाम, पावन पवित्र आरंग धाम। और हाँ हाँ हाँ, आरंग की सत्ता जिनके हाथ है, इस आरंग की सत्ता जिनके हाथ है वो स्वयं बागेश्वर नाथ है, स्वयं बागेश्वर नाथ है। धन्यवाद, बहुत